NTAUGCNET यानी निमेजीनेट डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास रिमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमेजीनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और अब भी जो हमारा 2020 में एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना, और ये हमारी ICT की पहली क्लास है, धीरे धीरे करके हम पूरा कंप्लीट ICT करेंगे। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का मतलब क्या है और उसका कहां कहां पे यूज होता है और पहले कंप्यूटर क्यों बना था। देखिए कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना करना, इसलिए इसे गणनक या संगणक भी कहा जाता है। इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात ये आती है कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर आज जो हम यूज कर रहे हैं वो उसका उद्देश्य आज के लिए नहीं हुआ था, उसका उद्देश्य कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। सबसे पहले जब बनाया गया था तो कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर को बनाया गया था, लेकिन आज जैसे आप सभी को पता है कि आज इसका हम इस्तेमाल ईमेल करने के लिए और ऑडियो वीडियो कॉलिंग के लिए, डेटाबेस के लिए, गेम खेलने के लिए और पता नहीं कहां कहां यूज कर रहे हैं। इसका कोई अंत नहीं, आज बहुत जगह पर इसका यूज किया जा रहा है, बैंकों में यूज किया जा रहा है, शिक्षण संस्थाओं में यूज किया जा रहा है, कार्यालय में, घरों में, हर जगह पर इसका यूज किया जा रहा है। और कंप्यूटर का जनक कौन है दोस्तों? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज का जन्म लंदन में हुआ था। वहां की अगर भाषा की बात करें दोस्तों तो वहां की भाषा अंग्रेजी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कंप्यूटर का नाम लैटिन शब्द से लिया गया है, क्योंकि इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं लैटिन से, ग्रीक भाषा से आए हैं। तो दोस्तों एक ऐसी मशीन के लिए जो गणना करती है उसके लिए लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट को इंक्लूड किया गया और कंप्यूट से ही हमारा क्या बना है, कंप्यूटर शब्द बना है। अगर हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर है सी का मतलब है कॉमनली ऑपरेटेड, एम का मतलब मशीन, पी का मतलब है पर्टिकुलरली, यू का मतलब है यूज, टी का मतलब है टेक्निकली, ई का मतलब एजुकेशन और आर का मतलब है रिसर्च। तो आप ये चाहे तो फुल फॉर्म याद कर सकते हैं दोस्तों, इसमें से वैसे तो क्वेश्चन नहीं आया लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, जनरेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें से क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करके देखना यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के, उनमें आपको ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत मिल जाएंगे। और अब हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसकी जनरेशन, प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन ये कब आई थी दोस्तों? 1945 से लेकर 1955 के बीच मानी जाती है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1945 से मानी जाती है। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। और वो मैचिंग करने के अंदर क्वेश्चन आया था दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और साइड में वो दिया हुआ था वैक्यूम ट्यूब आएगा, IC आएगा, क्या आएगा वो था। इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप एवं पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना दोस्तों। ये चीज़ें इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आप यहाँ पे पिक देख सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था वो इस तरह का दिखाई देता था। और आपने सुना भी होगा कि पहले जो कंप्यूटर होते थे वो पूरे रूम के अंदर बनाए जाते थे, पूरे रूम को कवरअप करते थे, लेकिन आज तो जैसे हमें पता है कि आज के कंप्यूटर हैं बहुत छोटे छोटे हैं। और एक मोबाइल है, मोबाइल को भी एज ए हम कंप्यूटर कह सकते हैं, उसको भी हम कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, और पता नहीं जो काम हम कंप्यूटर से कर रहे हैं वही काम आज हम मोबाइल से भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज के कंप्यूटर का जो साइज़ है वो बहुत
छोटा हो गया है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों द्वितीय पीढ़ी सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। ये आई थी दोस्तों 1955 से लेके 1964 के अंदर आई थी। द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था दोस्तों। तो इसमें किसका उपयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर का। और फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। इसका विकास किसने किया था? विलियम शॉकली ने किया था। 1947 में इसका इस्तेमाल किया था। इसमें असेंबल भाषा का उपयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाता था। और सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी पिक देख सकते हैं। नंबर 3 पे है दोस्तों हमारे पास थर्ड जनरेशन। इसकी शुरुआत है 1964 से 1975 के बीच में माने जाते हैं। और ये देख सकते हैं इस तरह का कंप्यूटर होता था थर्ड जनरेशन का। इसके अंदर क्या है दोस्तों, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 से मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी का उपयोग किया जाता था। आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का विकास 1958 में किसने किया था? जैक किल्वी ने किया था। ये यहाँ पे आईसी की बात हो रही है दोस्तों। आईसी का विकास कब हुआ था? 1958 में। आईसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, इसमें आईसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था एसएसआई का। और एसएसआई का पूरा नाम क्या है दोस्तों? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, यानी कि छोटे लेवल पे पार्ट्स को असेंबल करना, ये होता है दोस्तों। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या है दोस्तों? हाई लेवल लैंग्वेज। और ऊपर क्या थी? ऊपर हमारी मशीनी भाषा का उपयोग किया गया था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में, ये देखिए इसमें भी असेंबल भाषा का उपयोग किया गया था, ठीक है। और इसमें देखिए, यहाँ पे इसमें मशीनी भाषा का उपयोग किया गया था, ये देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सभी ध्यान में रखना, किस में कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का उपयोग किया जाने लगा था, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं चौथी पीढ़ी फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। और इसमें आप कंप्यूटर देख सकते हैं इस तरह का आ गया था, ऐसे दिखने लग गया था। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1975 से 1989 के बीच मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी की आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया था। और इसमें कौन सी तरह की, कौन सी आईसी थी? इस आईसी में VLSI तकनीक का उपयोग किया गया था। और VLSI की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पिछले में किसका उपयोग किया गया था? SSI का, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया था, ये चीज़ आप याद रखना। और VLSI की एक और फुल फॉर्म भी उन्होंने पूछी हुई थी एग्जाम के अंदर, तो आपको फुल फॉर्म भी पता होना जरूरी है। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया था, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों पांचवी पीढ़ी की, फिफ्थ जनरेशन की बात करते, जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, ये कौन सी है? फिफ्थ जनरेशन है दोस्तों। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की शुरुआत 1989 से मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी की आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाने लगा था। आईसी की यह तकनीक VLSI मानी जाती है। और इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, बहुत लार्ज स्केल पे उसका इंटीग्रेशन करना, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स बनाना, बहुत छोटे पार्ट्स बनाना, यानी कि ऐसा होने लग गया था कि कंप्यूटर का जो साइज है वो कम से कम हम कर सके, उसका भार कम कर सके, उसकी जो स्पेस है स्पेस हम कम कर सके। और आगे क्या है दोस्तों? इसमें हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का उपयोग किया जाने लग गया। इन भाषाओं में GUI इंटरफेस का उपयोग किया जाने लग गया। और अब देखिए दोस्तों, आगे हमारे पास नैनो कंप्यूटर। नैनो स्तर पर निर्मित नैनो ट्यूब के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर का विकास किया जा सकता है। देखिए नैनो का मतलब क्या है कि बहुत छोटे लेवल पे कंप्यूटर को बनाना, बहुत छोटा बनाना, और उसकी जो क्षमता है ना काम करने की एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा विकसित करना, क्षमता उसकी ज़्यादा विकसित करना। आगे दोस्तों हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर। यह प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, यानी कि इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसमें जो स्पीड होगी ना, स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड होगी। इसके अंदर जो डेटा वगैरह है वो बहुत अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। और ये कड़ियुगम में रहते हैं और इसे क्यूबिट्स भी कहते हैं। इसके अंदर देखिए दोस्तों, वैसे तो ये क्वांटम कंप्यूटर आज भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये नॉर्मल चलन में नहीं है, ये बड़ी बड़ी लैब्स वगैरह के अंदर इनका यूज़ किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटर और नैनो कंप्यूटर, इन दोनों को यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी बड़ी लैब्स जो होती हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है। और जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो दोस्तों पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों,
और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल निमीजी नेट प्रो को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबाइए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। और दोस्तों अगर आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड चाहिए, प्लस में एड फ्री वीडियो चाहिए, कम्प्लीट स्टडी नोट्स चाहिए और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में पता करना है तो आप हमारी ऐप निमीजी नेट ये येल्लो कलर में जो आइकन है ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको 1100 प्लस लाइव मॉक टेस्ट चाहिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के तो दोस्तों आप हमारी ये ऐप ग्रीन वाली इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों के दोनों ऐप दोस्तों प्ले स्टोर के अंदर है, आप निमीज नेट सर्च करना दोनों ऐप आ जाएगी, और या फिर आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से भी आप ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीज नेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं NTA UGC नेट पेपर फर्स्ट ICT के अंदर कंप्यूटर कंपोनेंट के बारे में। इसके अंदर दोस्तों मुख्य रूप से इनपुट आउटपुट डिवाइस, CPU, ALU, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रजिस्टर, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इत्यादि के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और इनमें से पहले काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे भी इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, उसे देखना। दोस्तों हम बेसिक रूप से जानने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। आप यहाँ पे पिक देख सकते हैं, पिक में देखें नंबर एक पे आता है इनपुट यूनिट आती है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर हम क्या क्या चीज़ कनेक्ट करते हैं अपना डेटा डालने के लिए। उसके बाद में आता है दोस्तों CPU, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट आती है, और उसके अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं ALU, सेंट्रल यूनिट और मेमोरी। उसके बाद आता है दोस्तों आउटपुट यूनिट, इन सभी के बारे में दोस्तों हम डिटेल से बात करेंगे। तो नंबर एक पे आते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो होती है जिनके द्वारा हम अपने डेटा या निर्देश को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी डेटा डालने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। और इसके लिए दोस्तों हम अलग अलग चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम कीबोर्ड की बात करें, जैसे हमें कंप्यूटर के अंदर कुछ नाम लिखना है, कुछ टाइप करना है, तो किसका यूज़ करें, कंप्यूटर कीबोर्ड का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर हमें क्लिक करना है, क्लिक करने के लिए हम माउस का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारे इनपुट डिवाइस काफ़ी तरह की हो सकती है कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस है जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क CPU तक पहुंचाने का काम करती हैं। इनपुट डिवाइस कई तरह की हो सकती है, जैसे कि हम बात करें दोस्तों कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से हम कुछ भी नाम टाइप करते हैं, माउस आपको सभी को पता है, जॉयस्टिक होगी, ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों हमें जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने हैं या फिर ऑनलाइन टीचिंग करनी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये। और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों और भी काफ़ी तरह की चीज़ें हमारी इनपुट डिवाइस के अंदर, डिजिटल कैमरा हो गया, कैमरे के द्वारा फ़ोटो खींचते हैं वो हमें सेंड करने के लिए हम डिजिटल कैमरे का यूज़ करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं केबल से। उसके बाद जैसे स्कैनर हो गया, डिजिटाइजर टेबल हो गया, बार कोड रीडर हो गया, OMR हो गया, OCR हो गया, MICR हो गया, ATM हो गया, तो काफ़ी तरह की डिवाइसेस हो सकती है इनपुट डिवाइस के अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का मतलब ये होता है दोस्तों कंप्यूटर में जो डेटा है उसको बाहर निकालने के लिए, उसका रिजल्ट निकालने के लिए जो हम डिवाइस का यूज़
करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट रिवाइज कहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है प्रिंटर, प्रिंटर जैसे कि मान के चलिए हमने रिजल्ट डाउनलोड कर लिया, उस रिजल्ट को हमें प्रिंट आउट निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंटर का यूज करेंगे। तो वो क्या होगी दोस्तों, हमारी आउटपुट डिवाइस होगी। आउटपुट डिवाइस का मतलब सीधा सा यही है कि कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ पड़ी है उसको हम हार्ड रूप में लेना चाहते हैं, हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं, और या फिर उसको हम फिजिकली प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस कहेंगे। इसमें जैसे और भी काफ़ी तरह की चीज़ें आते हैं आउटपुट डिवाइस के अंदर, जैसे हमारा मॉनिटर आ गया। मॉनिटर में क्या है कि हम चीज़ों को देख सकते हैं, कोई कोई भी हमने पिक्चर है, पिक्चर देखनी है, मूवी देखनी है, या फिर कुछ भी देखना, तो मॉनिटर होना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रिंटर की, प्रिंटर की हमने पहले ही बात कर लिया है। प्लॉटर हो गया, उसके बाद प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर जैसे क्लास के अंदर होता है, और साउंड कार्ड हो गया, ईयरफोन हो गया। इनसे क्या है दोस्तों, हम आउटपुट ले सकते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ है उनका। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों नंबर 3 पे है सीपीयू। और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म है, ये आप ध्यान रख लेना, ये पहले पूछी जा चुकी है। इसका हिंदी नाम केंद्रीय संसाधन इकाई होता है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, अर्थात इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम पूर्ण नहीं हो सकता। इससे सभी डिवाइस जुड़ी हुई होती है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। ये जो सीपीयू होता है दोस्तों, ये हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसी के साथ हमारी इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की डिवाइस एक साथ जुड़ी हुई होती है। इसे कंप्यूटर का माइंड भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोग्राम करना, क्रियान्वयन करना, एग्जीक्यूट करना होता है। इसके अलावा सीपीयू कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइस के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। यानी कि ये मेन पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का, जो हमारे पूरे कंप्यूटर को हैंडल करता है। और सीपीयू के अंदर दोस्तों और भी पार्ट आते हैं, जैसे कि एएलयू हो गया, मेमोरी हो गया, और सीयू हो गया। और अब बात करते हैं हम एएलयू, एएलयू क्या होता है। नंबर 1 पे तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट यूनिट को संक्षेप में एएलयू कहते हैं। यह यूनिट डेटा पर अंक गणितीय क्रियाएं जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि करने के लिए यूज होती है। यानी कि जहाँ पे लॉजिक की बात आए वहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक का यूज किया जाता है। और इसके अंदर दोस्तों जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ कि गुणा करना, जोड़ करना, भाग करना, तो इस तरह की जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं वो एएलयू के अंदर करते हैं। यह मेमोरी से डेटा को प्राप्त करता है तथा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना को मेमोरी में लौटा देता है। ये क्या करता है दोस्तों, ये मेमोरी लेता है, अपने अनुसार उसको प्रोसेसिंग करता है और हमें मॉनिटर के द्वारा या आउटपुट जो डिवाइस होते हैं उसके द्वारा हमें रिजल्ट दे देता है। इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पथ होता है दोस्तों जो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी जैसे हमने बात की थी कि जैसे 0-1 की यूनिट हो गया, बाइनरी हो गया, डेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया, इन सभी के बारे में हम आगे बात करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे हम, और इनमें से भी क्वेश्चन पहले आए हुए हैं तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी के अंदर सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है कंट्रोल यूनिट, सीयू की बात करते हैं। सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। सीयू कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की क्रिया को नियंत्रित और संचालित करता है। ये देखिए सीयू क्या करता है, कंप्यूटर में हार्डवेयर के जितने भी कार्य है वो यही करता है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, साथ ही मेमोरी और एएलयू के मध्य डेटा के आदान प्रदान को भी नियंत्रित करता है, उसको निर्देश देता है। यह प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है। इसका मुख्य कार्य मेमोरी से क्रमानुसार निर्देशों को प्राप्त करना, उसे इंटरप्रेट करना तथा विद्युत संकेतों में परिवर्तित करना होता है। ठीक है, ये इसका मुख्य कार्य होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वैसे इनमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता दोस्तों, हमें बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है बस। आगे नंबर 3 पे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है सी पे मेमोरी है। यह इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहण करके रखता है, यानी कि स्टोर करके रखता है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। यानी कि जो मेमोरी होती है दोस्तों, मेमोरी आप सभी को पता है कि जहाँ पे हम स्टोर करते हैं अपने डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे मोबाइल में आप सभी को पता है
चिप आती थी, 1 GB चिप, 2 GB, 10 GB, 8 GB, इस तरह से 16 GB, 32 GB चिप आती थी। इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी पार्ट होता है जहाँ पे हम अपना पूरा का पूरा डेटा स्टोर करते हैं। मानव में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार मेमोरी है कंप्यूटर के लिए। क्या है मेमोरी? यह मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है, यह एक संग्राहक उपकरण है, स्टोरेज डिवाइस है। अंत इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, आंतरिक मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर काफ़ी तरह की मेमोरी हो सकती है दोस्तों, अलग अलग तरह की मेमोरी हो सकती है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। कंप्यूटर का वह स्थान जहां सभी सूचनाओं, आंकड़ों या निर्देशों को स्टोर करके रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है कंप्यूटर के अंदर। एक तो होती है वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि परिवर्तनशील मेमोरी, और दूसरी होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इन सभी इन दोनों के बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इसमें से, और अभी हमारा 2020 का एग्जाम हुआ है उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आए हैं। ये देखें, नंबर एक पे बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले वोलेटाइल मेमोरी, परिवर्तनशील मेमोरी, इसे प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिए, वोलेटाइल मेमोरी जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। यह सीधे सीपीयू के संपर्क में रहते हैं तथा इसके डेटा और निर्देशों का सीपीयू द्वारा तिरो तथा प्रत्यक्ष उपयोग होता है। इसे परिवर्तनशील मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मेमोरी डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, वोलेटाइल मेमोरी यानी कि परिवर्तनशील, परिवर्तनशील मतलब जो बदली जा सके, जो चेंज हो सके। ये क्या है दोस्तों, इसमें जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता, वो डिलीट भी हो सकता है, वो इरेजेबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो परमानेंटली नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, वोलेटाइल मेमोरी। और इसका उदाहरण क्या है दोस्तों? रैम इसका उदाहरण है। और रैम और रोम के बारे में भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, इनमें से क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों नंबर दो पे, अपरिवर्तनशील मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसे सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों ज़्यादा मात्रा में डेटा और स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उपयोग कब किया जाता है? जब हमें ज़्यादा मात्रा में डेटा स्टोर करना हो और स्थायी तौर पर हमें डेटा स्टोर करना हो, तब इसका यूज़ किया जाता है। इसे द्वितीय मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उदाहरण हम लेके चले तो हार्ड डिस्क इसका एक उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर हम अपनी मेमोरी सेव कर सकते हैं, उसको कितने भी साल उसको रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर। और जो हमारी रैम और रोम है उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। अगर हम स्पेस के आधार पर बात करें दोस्तों, तो स्पेस के आधार पर कंप्यूटर मेमोरी 4 तरह की हो सकती है। अब देखिए, ये मेमोरी के टाइप भी हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें से बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अभी आप एग्ज़ाम देखना, 2020 के जो एग्ज़ाम हुए उनमें भी इनमें से क्वेश्चन आए हैं। नंबर एक पे दोस्तों हमारे पास रजिस्टर मेमोरी है। रजिस्टर मेमोरी क्या होती है दोस्तों? रजिस्टर मेमोरी को रजिस्टर भी कह सकते हैं। रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना दोस्तों। ये क्या होती है? सबसे छोटी मेमोरी होती है लेकिन सबसे तेज मेमोरी होती है। रजिस्टर मेमोरी का जो साइज़ है दोस्तों, 16, 32 और 64 बिट हो सकता है, ये इसका अलग अलग साइज़ है दोस्तों। इसमें जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, ये कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज़ मेमोरी होती है, रजिस्टर मेमोरी। नंबर दो पे है दोस्तों कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी चाहे फ़ोन की हो या कंप्यूटर की हो, कोई भी काम अत्यधिक तेज़ी से करती है। असल में कैश मेमोरी आकार में बहुत छोटी होती है लेकिन कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी से बहुत तेज़ होती है। अब देखिए, कैश मेमोरी का मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे मोबाइल के अंदर भी कैश मेमोरी होती है। ये क्या करते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए हम कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो वो वेबसाइट हमने एक बार ओपन की, ठीक है, उसके बाद में दूसरी बार ओपन की, तीसरी बार ओपन की, तो जितनी बार हम ओपन करेंगे अपनी वेबसाइट को उतनी बार वो क्या है कि कैश मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होता रहेगा। मान के चलिए हमने 3 बार एक वेबसाइट को ओपन किया, लेकिन जब हम चौथी बार उस वेबसाइट को ओपन करेंगे ना, तो
तो उसमें टाइम बहुत कम लगेगा क्योंकि उसने जो डेटा है वो पहले ही स्टोर कर लिया है। ठीक है, तो कैश मेमोरी का काम यही होता है, जब हम किसी चीज़ को बार 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 यूज़ करते हैं तो उसका वो डेटा स्टोर कर लेते हैं, लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ करते हैं तो वो बहुत जल्दी उसको काम में हम ले सकते हैं। ये मुख्य कार्य होता है कैश मेमोरी का। दोस्तों आगे है हमारे पास नंबर 3 पे प्राइमरी मेमोरी। ये क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जहाँ डेटा, सूचनाएं एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं। जैसे मान के चलिए हम कुछ चीज़ चला रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हम चला रहे हैं, ठीक है, कुछ गेम हम चला रहे हैं, ठीक है, तो उस दौरान उस गेम को कितना अच्छे से चलाना है, सॉफ्टवेयर किस कितना स्मूथली चलाना है, उसके लिए प्राइमरी मेमोरी का यूज़ होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी का यूज़ कब होता है, जब हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, उसको स्मूथली चलाने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए प्राइमरी मेमोरी का यूज़ किया जाता है। और ये जो है दोस्तों, कंप्यूटर बंद होने के बाद में या लाइट चले जाने के बाद में प्राइमरी मेमोरी है वो हमारी चली जाती है, वो सेव नहीं रहती, ये इसकी लिमिटेशन हम कह सकते हैं। और इसके अंदर हम बात करें तो दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है, एक तो रैम होती है और दूसरी क्या होती है, रोम होती है। अब देखिए, आपने सुना होगा कि जब हम मोबाइल लेने जाते हैं तो पूछते भाई इसकी रैम कितनी है, कोई कहेगा 2 GB है, 4 GB है, 16 GB है। पहले बहुत छोटी रैम आती थी लेकिन आज तो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा रैम आने लग गई है। तो इनका रैम क्या होता है दोस्तों, रैम आपने सुना होगा कि कम जो मोबाइल है, मोबाइल को अच्छे तरीके से चलाने के लिए रैम का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। यही काम हमारा सेम कंप्यूटर के अंदर होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये चीज़। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो मुख्य रूप से आती है रैम और रोम, इसमें से क्वेश्चन आता है दोस्तों, इन दोनों में से देखिए रैम और रोम क्या है। नंबर 1 पे रैम आती है दोस्तों, रैम की फुल फॉर्म हमें पता होना जरूरी है। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। यह कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी होती है। क्या होती है दोस्तों, अस्थाई मेमोरी होती है। और कीबोर्ड तथा अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डेटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित किया जाता है। ठीक है, कुछ भी चीज़ हम इनपुट करेंगे, ठीक है, कुछ भी चीज़ डालेंगे तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगी, वो जाएगी रैम के अंदर जाएगी दोस्तों। उसके बाद में वो देखेगा कि वो कहाँ पे भेजनी है। और उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताई, कई बार मैंने आपको बता दी कि ये जो होती है अस्थाई मेमोरी होती है, यहाँ पर जो डेटा आता है अस्थाई आता है। और कंप्यूटर बंद होने के बाद में या फिर बिजली चले जाने के बाद में इसमें जो डेटा होता है वो मिट जाता है। और ये क्या काम करता है, ये वही है कि प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, रैम का यूज़ किया जाता है। और रैम क्या है दोस्तों, हमारी वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी है, या फिर हमारी क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, और जो पहले जो साइज़ होता था दोस्तों हमारी रैम का, वो 4 GB, 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB ऐसे होता था। लेकिन आज आप सभी को पता है रैम का जो साइज़ है दोस्तों, वो 2 GB हो गया, 2 GB हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 GB हो गया, 32 GB तक हमारी रैम आज आ गई है। ठीक है, तो रैम का आज साइज़ बहुत बढ़ रहा है, लेकिन पहले काफ़ी छोटी छोटी रैम होती थी। अब रैम के भी हमारे दोस्तों काफ़ी टाइप हो सकते हैं, डायनामिक रैम हो गया, सिंक्रोनस रैम हो गया, स्टैटिक रैम हो गया। इनके बारे में हमें डिटेल से जानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में से इनमें से क्वेश्चन आज तक नहीं आए हैं। नंबर 2 पे आगे आता है दोस्तों, हमारे पास रोम आता है। अब रोम को समझते हैं, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। इसको क्या है कि केवल और केवल हम रीड कर सकते हैं। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है, यह स्थाई मेमोरी होती है। ये क्या है दोस्तों, ये हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, स्थाई मेमोरी होती है, जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट किए जा सकते हैं, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। अब देखिए इसका क्या काम होता है दोस्तों, जैसे हम कोई भी गेम बना रहे हैं, कुछ भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो तब इसका यूज़ किया जाता है, तभी उसी टाइम इसका यूज़ किया जाता है। जैसे एक चीज़, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम मोबाइल लेके आते हैं, मोबाइल का जो मेमोरी होती है वो कहते हैं भाई 64 GB इसके अंदर मेमोरी है। ठीक है, 64 GB है, लेकिन जब हम फाइल मैनेजर के अंदर जाते हैं तो फिर वहाँ पर हो सकता है हमारी जो मेमोरी है 52 GB हो।
ठीक है। अब 8 GB जो मेमोरी है वो कहाँ पे गई दोस्तों? 8 GB मेमोरी कहाँ गई? 8 GB मेमोरी हमारे जो गेम है हमारे फ़ोन के अंदर, एप्लीकेशन है हमारे फ़ोन के अंदर डली हुई, उनके अंदर इस मेमोरी का यूज़ होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। और इसके द्वारा जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको केवल हम देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है, उनको हम अपनी तरफ अपने हिसाब से मॉडिफाई उनको नहीं कर सकते। यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ हो जाने के बाद भी रोम में संग्रहित डेटा नष्ट नहीं होता, ठीक है। हमारा मान के चलिए कोई सॉफ्टवेयर है, कोई ऐप है, कोई गेम है, अगर वो चलते चलते हमारा कंप्यूटर बंद हो गया या फिर हमने स्विच ऑफ कर दिया, तो वो गेम हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा, वो खराब नहीं होगा। अंत रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है तथा स्थाई मेमोरी कहलाती है। रोम क्या है दोस्तों, ध्यान रख लेना, रोम हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और ये एक स्थाई मेमोरी है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। दोनों चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, रैम की और रोम की। आप पर रैम के बारे में पढ़ लेना, हमने ऊपर बताया। ये हमारी रैम क्या है दोस्तों? ये हमारी अस्थाई मेमोरी है। रैम क्या है? अस्थाई है। और रोम क्या है? हमारी स्थाई मेमोरी है। ये आप ध्यान में रखना दोस्तों। और रोम है, रोम के भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। पी रोम हो गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये हो गया। ये आप देख लेना दोस्तों, इनमें से फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं वो। और यहाँ पे दोस्तों आपको और भी अच्छे तरीके से इन दोनों के अंदर डिफरेंस बता देते हैं, डिफरेंस बिटवीन रैम और रोम के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। देखिए रैम की हम बात करें तो ये क्या है? हमारी टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है। रैम क्या है? टेम्परेरी मेमोरी है। जबकि रोम क्या है? वो हमारी परमानेंट मेमोरी है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं? गेम बनाते हैं। और ये क्या है? रैम हमारी गेम को चलाने के लिए यूज होती है स्मूथली। रैम जो है चिप इज वोलेटाइल, ये क्या होती है दोस्तों? वोलेटाइल होती है। रैम हमारी वोलेटाइल होती है, जबकि रोम हमारी नॉन वोलेटाइल होती है। रैम अलाउ रीडिंग एंड राइटिंग इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, ये रीड एंड राइट दोनों के लिए यूज होती है रैम हमारी। लेकिन रोम जो है दोस्तों वो रीड ओनली होती है, उसको केवल हम रीड कर सकते हैं, उसमें राइट नहीं कर सकते। आगे हम बात करते हैं, रैम चिप इज यूज इन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ये क्या है? नॉर्मल ऑपरेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, नॉर्मल काम के लिए इसका यूज़ किया जाता है रैम का। जबकि रोम का उपयोग दोस्तों इट इज़ यूज्ड मेनली फॉर द स्टार्ट प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर। अब ये देखिए, वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है जो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि कंप्यूटर को जब हम स्टार्टअप करते हैं, शुरू करते हैं, तो किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? रोम का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है। और नंबर 4 पे दोस्तों हमारी जो मेमोरी टाइप है वो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी को अलग से जोड़ा जाता है, स्टोरेज के काम आती है और इसे सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है। देखिए इसका मतलब क्या है? ऐसी मेमोरी जिसको हम अलग से जोड़ते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर हम चिप जोड़ते हैं या फिर पेन ड्राइव लगाते हैं या फिर हार्ड डिस्क लगाते हैं एक्सटर्नल, या फिर अपना जो जो मोबाइल है, मोबाइल को हम केबल के जरिए, डेटा केबल के जरिए उसको जोड़ते हैं, तो ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी हमारी सेकेंडरी मेमोरी हो गई, ठीक है। और इसमें जो डेटा होता है दोस्तों वो काफ़ी समय तक हम रख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं, और उसको हम घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इस ये काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों। और इसके अंदर जो डेटा है वो बहुत अच्छा स्टोर कर सकते हैं, जितना समय तक हम चाहें उतना स्टोर कर सकते हैं। और इसके भी दोस्तों काफ़ी तरह की मेमोरी हो सकती है, जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम बात करें तो, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, USB ड्राइव हो गया, ठीक है, और उसके बाद में हार्ड डिस्क हो गया हमारा, ठीक है। और मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई ना, हार्ड डिस्क हो गया और हमारी वो होगी जैसे डेटा केवल हम यूज़ करते हैं मोबाइल के द्वारा, वो हो गई हमारी चिप होगी और हमारी USB यानी कि पेन ड्राइव हो गई। तो ये हमारी क्या है दोस्तों? ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी, सभी मेमोरी के टाइप, रैम, रोम, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रजिस्टर्ड मेमोरी, ये सभी आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल जवाब है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों। NTAUGNET यानी निमेजनेट, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर।
हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लिमिजनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके साथ साथ दोस्तों हम असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर के बारे में बात करने वाले हैं और वायरस और उसके टाइप के बारे में भी आज हम बात करेंगे। दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनमें से पहले काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे, न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोस देंगे, एड फ्री वीडियोस आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे। इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है दोस्तों, सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने को सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं दोस्तों, एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन फिजिकली उसको हम टच नहीं कर सकते। और सॉफ्टवेयर किसी भी काम को आसान बनाने के लिए किया जाता है। आजकल काम के हिसाब से सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, जैसा काम वैसा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़र की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। आज आप देख सकते हैं कि फ़ोटो एडिट करने के लिए फ़ोटोशॉप है और टाइपिंग करने के लिए हमारे पास एमएस वर्ड है। काफ़ी तरह की चीज़ें दोस्तों, हर तरह की यूज़, हर तरह के काम के लिए हर तरह का सॉफ्टवेयर हमारे पास आज उपलब्ध है। दूसरी तरीके से हम देखें तो आज सॉफ्टवेयर के रूप में हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं हमारे मोबाइल के अंदर। देश जहान की एप्लीकेशन है, जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसी का हमारे पास सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन मिल जाएगी। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं। ये मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है नंबर 1 पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर 3 पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन तीनों के बारे में हम आसानी से बात करेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे। नंबर 1 पे आता है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करते हैं। यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को कंट्रोल करे, उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। इन्हीं की वजह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चल पाते हैं या उस पर काम कर पाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सरल उदाहरण हम आपको बताते हैं। इसका ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपको विंडोज़, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो विंडो है वो हमारी क्या है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यानी कि उसी के द्वारा हमारा कंप्यूटर चलेगा। अगर वो नहीं होगी, विंडो नहीं होगी, तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर आप यही से समझ सकते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे पूरे सिस्टम को चलाए, जो हमारे पूरे सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के काफ़ी उदाहरण हो सकते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 पे आता है दोस्तों हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए ऑपरेटिंग, जैसे नाम से पता चल रहा है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे किसी काम को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, किसी अन्य हार्डवेयर को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि प्रिंटर है, प्रिंटर से हमें प्रिंट निकालना है तो जब हम उसको केबल से जोड़ेंगे उसके बाद हम उसमें ड्राइवर भी डालते हैं। आपको ध्यान होगा प्रिंटर से प्रिंट निकालने के लिए उसको कनेक्ट करते तो हमें ड्राइवर डालना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए हमें ड्राइवर डालने पड़ते हैं। अगर हम माउस कनेक्ट करेंगे तो भी वो शुरू में अपने आप एक ड्राइवर डलता है, वो इंस्टॉल होता है। तो काफ़ी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ड्राइवर हमें डालने पड़ सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। यानी कि वो हमारे हार्डवेयर को ऑपरेट कर रहा है और जो क्या है कि हार्डवेयर और यूज़र दोनों के बीच में पुल का कार्य करता है। यह है हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा।
दोस्तों आगे हम बात करते हैं असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। इनमें से दोस्तों पहले काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं तो अच्छे से समझना ही है। देखिए असेंबलर क्या होता है, कंप्यूटर असेंबल भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को नहीं समझ पाता। वो किसको समझता है, वो बाइनरी संकेतों को समझता है, जीरो और वन की भाषा को समझता है। इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, असेंबल भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को हम मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं। तो जो भाषा अनुवादक असेंबल भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं वो क्या कहलाता है, असेंबलर कहलाता है। ये चीज आप ध्यान में रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं पहले, दोबारा फिर आ सकती है। देखिए जो असेंबल भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करे उसे हम क्या कहेंगे, असेंबलर कहेंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रख ली। अब आगे मैं बताता हूं कंपाइलर की बात करते हैं। अब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए दो तरह की भाषाएं होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरी क्या होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करे या ट्रांसलेट करे उसको हम क्या कहेंगे, कंपाइलर कहेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, कंपाइलर हम किसको कहेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे उसको हम क्या कहेंगे, कंपाइलर कहेंगे। और असेंबलर की बात करें तो असेंबलर क्या होता है, असेंबल भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करे उसको हम क्या कहेंगे, असेंबलर कहेंगे। और कंपाइलर में क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और उच्च स्तरीय प्रोग्राम को सोर्स कोड भी कहा जाता है। कंपाइलर को सोर्स कोड को मशीनी कोड या कंपाइलर कोड में अनुवाद करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। आगे नंबर तीन पे हम बात करते हैं दोस्तों, इंटरप्रेटर की बात करते हैं। इंटरप्रेटर क्या होता है, देखिए इंटरप्रेटर भी कंपाइलर की तरह उच्च स्तरीय भाषा का मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम करता है। उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे C++, जावा में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। इंटरप्रेटर सोर्स कोड की पहली लाइन का अनुवाद करता है, यदि पहली लाइन में कोई गलती होती है तो उसे दर्शाता है यानी एरर देता है। जब तक वह पूरी लाइन पूरी तरह से संशोधित नहीं हो जाती या ठीक नहीं हो जाती तब तक आगे नहीं बढ़ा जाता। अब देखिए इसके अंदर ये जो हमारा कंपाइलर है और हमारा इंटरप्रेटर है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। नंबर एक तो ये दोस्तों, जो इंटरप्रेटर है वो कंपाइलर की तरह ही है। इसमें क्या होता है कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन देखते हैं, एक एक लाइन को चेक करते हैं। अगर पहली लाइन के अंदर कोई एरर पाया जाता है, कोई भी एरर होता है, तो उस एरर को पूरी तरह से संशोधित यानी कि मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई करने के बाद में उसको ठीक करने के बाद ही आगे बढ़ा जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरप्रेटर कहेंगे, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और आगे बात आती है दोस्तों, हमारा जो अगला सॉफ्टवेयर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, अभी तक हमने बात की थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की थी, अब आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित तो मुख्य कामों को करने के लिए लिखे जाते हैं। आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपयोगों के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। देखिए अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, जैसे स्कूल के अंदर जाएंगे तो स्कूल मैनेजमेंट के लिए अलग होगा, जिम के अंदर जाएंगे तो जिम में जो स्टूडेंट आ रहे हैं, जो अलग अलग प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर अलग होगा। तो हर जगह पर अगर हम किसी शॉप में जाएंगे तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर अलग हो सकता है, तो उनको हम क्या कहेंगे दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। देखिए यूज़र की ज़रूरतों को ध्यान में रख कर ही इस तरह के सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। इनमें कुछ तो फ्री उपलब्ध होते हैं तथा कुछ के लिए हमें चार्ज देने पड़ते हैं। और आपने काफ़ी देखे होंगे जैसे OBS स्टूडियो है जिससे हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। और काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के काफ़ी आप उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे फोटोशॉप है, फोटोशॉप यानी कि फ़ोटो को मॉडिफाई करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेज मेकर डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए, पावर पॉइंट स्लाइड वगैरह बनाने के लिए, MS Word, MS Excel, इन सभी के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस और रिपेयरिंग करने के लिए किया जाता है। साथ में यह ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर
कुछ हार्डवेयर की सर्विस करने का काम भी करते हैं। ये देखिए, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर पहले से सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, उनको सही तरीके से चलाने के लिए, उनकी सर्विस करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। जैसा कि हम बात करें एंटीवायरस की, हम बात करें एंटीवायरस क्या होता है कि अगर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो एंटीवायरस के जरिए उसको हम ठीक कर सकते हैं। और जैसे हम डिस्क क्लीनर की बात करें, अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सी जंक फाइल है, तो उसका इसका डिस्क क्लीनर का यूज़ करके हम काफ़ी स्पेस खाली कर सकते हैं। पासवर्ड जनरेटर, फाइल बैकअप, हमें अपने कंप्यूटर का बैकअप लेना है तो फाइल बैकअप का यूज़ करके हम पूरा बैकअप ले सकते हैं। यानी कि ये हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको और बेहतर तरीके से चलाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक बार फिर से मैं ये चीज़ें आपको बता देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि जो हमारे सिस्टम को चलाने के लिए महत्वपूर्ण हो, सबसे ज़रूरी हो, जैसे कि हम विंडो की बात करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपनी ज़रूरतों के अनुसार, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे सॉफ्टवेयर की सर्विस के लिए जिनका यूज़ किया जाता है, उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों हार्डवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर के बारे में आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, हार्डवेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, हार्डवेयर कहेंगे। और हार्डवेयर के अंदर काफ़ी तरह की चीज़ें आती है, जैसे कि हमारा प्रिंटर आ गया, हमारा माउस हो गया, हमारा कीबोर्ड हो गया, पेन ड्राइव होगी, तो काफ़ी तरह की चीज़ें हमारी हार्डवेयर के अंदर आ सकती हैं। और एक और चीज़ रहेगी दोस्तों इसके अंदर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम अपनी तरफ से मॉडिफाई कर सके, जिनको हम फ्री में यूज़ कर सके, उसको हम क्या कहेंगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहेंगे। इनमें से ये देखिए जून 2015 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। इसी के साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड के साथ वितरित किए जाते हैं, जिसे उपयोगकर्ता द्वारा पढ़ा या संशोधित किया जा सकता है। इसका सोर्स कोड इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध होता है। वही चीज़ है दोस्तों, इनको हम बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं, इनको हम अपनी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। ये चीज़ होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में से दोस्तों क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो आप ये अच्छे से कर लेना दोस्तों। यही सारी चीज़ दोस्तों, जैसे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में कोई भी सुधार कर सकता है, यानी कि उसको हम अपनी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। सम एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे जीएनयू लिनक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया। वीएलसी मीडिया प्लेयर बिल्कुल फ्री है दोस्तों, ये आपने यूज़ किया होगा। और सुगर सीआरएम हो गया, जीआईएमपी, ये हमारा उसके लिए होता है, पिक्चर वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो आप ये सभी देख लेना दोस्तों ये एग्जांपल। और अब हम बात करते हैं दोस्तों एंटीवायरस की बात करते हैं। एंटीवायरस में से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और अब भी इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए, एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये हम अभी ऊपर पढ़ गए हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर को और बेहतर तरीके से चलाने के लिए यूज़ किए जाएँ। तो एंटीवायरस क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में छुपे हुए सारे वायरस प्रोग्राम को ढूंढ कर रिमूव करने का काम करता है। यह भी कह सकते हैं कि एंटीवायरस कंप्यूटर के लिए सेफ गार्ड जैसे काम करता है, वो हमारे कंप्यूटर को सेफ करने का काम करता है। और ये क्या करता है, जैसे मालवेयर हो गया, वर्म्स हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, इन सभी से हमारे कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को बचा के रखता है, और अगर ये आ जाते तो इनको बाहर निकालने का काम करता है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों वायरस क्या होता है। देखिए, वायरस का पूरा नाम विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है, इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान में रखने लगा दोस्तों, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। वायरस कंप्यूटर में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो ऑटो एग्जीक्यूट प्रोग्राम होते हैं, जो कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को प्रभावित कर देते हैं, और अब हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी हमारी इच्छा नहीं होती, फिर भी ये कंप्यूटर में घुस जाते और हमारे हमारी चीज़ों को मॉडिफाई करके उनको खराब कर देते हैं। यह तभी फैलता है जब यूज़र ने किसी माध्यम से इसे प्रेषित करने की अनुमति दी हो, जैसे कि किसी भी तरह की रिमूवेबल डिवाइस अगर हम अपने कंप्यूटर के अंदर लगाएंगे तो उससे हमारा कंप्यूटर क्या है, इन्फेक्टेड हो सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जैसे कि वायरस के प्रकार कितने तरह के होते हैं। नंबर एक पे है दोस्तों रेजिडेंट वायरस,
ये देखिए, रेजिडेंट वायरस जिसे परमानेंट वायरस भी कहा जाता है, आपके कंप्यूटर की सिस्टम मेमोरी रैम से ये जुड़ा हुआ होता है। जब भी आप कंप्यूटर शुरू करते हैं तो ये वायरस उस समय खुली हुई सभी फाइलों को संक्रमित कर सकता है, उनको खराब कर सकता है। तो ये देख लेना दोस्तों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर। आगे हम बात करते हैं ओवरराइट वायरस। यह वायरस जैसे ही फाइल को संक्रमित करता है, यह फाइल की सारी इन्फॉर्मेशन को डिलीट करके उन्हें बेकार कर देता है। इस प्रकार का वायरस संक्रमित फाइल की जानकारी डिलीट करता है। इस वायरस को हटाने के लिए सभी संक्रमित फाइल को डिलीट करना ज़रूरी होता है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट एक्शन वायरस। ये किस तरह का वायरस होता है दोस्तों? इस तरह के वायरस में फाइल को चलाते ही यह वायरस एक्टिव हो जाता है। किसी फाइल के पास वायरस है, अगर उसको हम ओपन करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। यह वायरस उन फाइलों को इन्फेक्टेड करता है जो फाइल ऑटो exe.bat के फोल्डर में होती है। एक फोल्डर बन जाता है वायरस का, उसके अंदर जितनी भी फाइल होते हैं उन सभी को इन्फेक्टेड कर देता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों मैक्रो वायरस। यह उन फाइलों को संक्रमित करता है जो फाइल किसी विशिष्ट एप्लीकेशन या प्रोग्राम से बनाई जाती है, जैसे मैक्रो हो। यह डॉक्स .xl.pps जैसी फाइलों को संक्रमित करता है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है दोस्तों? यह वायरस हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को संक्रमित करता है। बूट सेक्टर यानी कि इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको ये इन्फेक्टेड करता है। जैसे कि हम प्रिंटर लगाते हैं या फिर कीबोर्ड लगाते हैं तो उस सिस्टम को ये प्रभावित करता है। यह हार्ड आगे हम बात करते हैं दोस्तों फाइल सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह वायरस कंप्यूटर की डायरेक्टरी को संक्रमित करता है। फाइल के स्थान को सूचित करने वाले मार्ग को बदल देता है। यानी कि ये क्या करता है दोस्तों, ये जो पाथ जो होता है, एड्रेस जो होता है, उसको ये इन्फेक्टेड कर देता है। हमारी फाइल की लोकेशन होती है उसको ये चेंज कर देता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों पॉलीमॉर्फिक वायरस। यह वायरस जितनी बार सिस्टम को संक्रमित करता है उतनी बार खुद को इनक्रिप्टेड करता है, यानी कि खुद की संख्या बढ़ा लेता है। जितनी बार यह संक्रमित करेगा उतनी बार ये अपनी संख्या को उसमें बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा। आज बात करते हैं दोस्तों नंबर 8 पे वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। बहुत सी वेबसाइट के अंदर दोस्तों वेबसाइट को दिलचस्प बनाने के लिए उसके अंदर बहुत ही जटिल कोड का यूज़ किया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वेब स्क्रिप्टिंग वायरस कहते हैं। आगे दोस्तों हमारे पास FATF वायरस। इस वायरस को फाइल के स्थान के बारे में सभी जानकारी को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये वायरस किसके काम आता है दोस्तों? हमारे कंप्यूटर के अंदर जो जो फाइलें हैं उन सभी की जानकारी लेने के लिए इस वायरस का उपयोग किया जाता है। आगे नंबर 10 पे हम बात करते हैं दोस्तों मल्टीपर्टाइट वायरस। जैसा नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, ये हमारे कंप्यूटर को मल्टीपल यानी कि अलग अलग तरीके से और अलग अलग समय में हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्टेड करता है। ये क्या करता है दोस्तों? ये हमारे बूट सेक्टर है उसको भी खराब कर सकता है, हमारी फाइल्स है उसको भी खराब कर सकता है। यानी कि बहुत तरीके से अलग अलग समय में बहुत तेज़ी से हमारे कंप्यूटर को ये खराब कर सकता है। पहला मल्टीपर्टाइट वायरस घोस्ट वॉल वायरस था। और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों वर्म्स की बात करते हैं। वर्म्स क्या होता है? वर्म्स की परिभाषा की बात करें तो वर्म्स संयम प्रकृति फाइल है जो एक संक्रमित कंप्यूटर की मेमोरी में रहते हैं। यह एक वायरस के समान है, यह वायरस का उपवर्ग है। ये एक क्या है दोस्तों? ये वायरस की एक सब कैटेगरी है। यह ईमेल नेटवर्क आदि के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलते हैं। वर्म्स उपयोगकर्ता के ईमेल एड्रेस बुक का उपयोग करके खुद को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों, ईमेल के जरिए या फिर हम वेबसाइट वगैरह चलाते हैं उनके जरिए हमारे कंप्यूटर में ये घुस जाते हैं। यानी कि पहले क्या थे दोस्तों, वो किसी और के कंप्यूटर में थे, किसी और ने हमें मेल भेजी, ईमेल भेजी, उसको हमने डाउनलोड किया तो वो क्या है, हमारे कंप्यूटर के अंदर आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? वर्म्स कहेंगे। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों मैलवेयर वायरस। मैलवेयर क्या होता है? एक तरह का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए मालवेयर को बनाया जाता है ताकि वह हमारे या किसी स्पेसिफिक यूजर के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए। इससे और भी कई मकसद हो सकते हैं, जैसे आपका डेटा चुराना, आपका पासवर्ड चुराना, आपके कंप्यूटर के डेटा को मिटाना या फिर उसमें मॉडिफिकेशन करना। ये देखिए मालवेयर क्या होते हैं दोस्तों? ये हमारे कंप्यूटर में घुस के हमारे कंप्यूटर में जो भी बैंक की इंफॉर्मेशन है, जो ATM की इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी ये चुरा लेता है और उससे बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं। और
आगे हम बात करते हैं दोस्तों मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में कई तरीके से आ सकते हैं। और ये क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारे कंप्यूटर में अपने आप नहीं बनते, ये हैकर द्वारा बनाए जाते हैं, स्पेशल डिजाइन किए जाते हैं। और ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही हम कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं बैड सॉफ्टवेयर होते हैं, खतरनाक सॉफ्टवेयर होते हैं। ये आपके कंप्यूटर में कई तरीके से आ सकते हैं, जैसे या तो आप उन्हें खुद गलती से डाउनलोड कर लें, या फिर स्पैम ईमेल के जरिए ये हमारे कंप्यूटर में आ जाएंगे। ये देखिए इसका जरिया क्या होता है, मेन जरिया इसका ये होता है कि जैसे हमें फ्री में मूवी डाउनलोड करनी है, या फिर कोई पेड हमारा सॉफ्टवेयर है बहुत महंगा मिल रहा है, और कोई वेबसाइट कह रही है भाई आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो फ्री के चक्कर में हम गलत वेबसाइट पे चले जाते हैं, और वहाँ पे उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के चक्कर में हम ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, ये वायरस डाउनलोड कर लेते हैं, इससे हमारे कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और ये भी दोस्तों कई तरह के हो सकते हैं, जैसे वायरस मैलवेयर, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर और एडवेयर, काफ़ी तरह के हो सकते हैं दोस्तों। और दिन ब दिन नए 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 वॉर्म्स निकलते हुए आ रहे हैं, तो ये सभी हमारे लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं दोस्तों। आप पर्सनली, मैं बता रहा हूँ आपको, आप बच के रहना, आप लालच में किसी वेबसाइट पे जाके इस तरह का काम मत करना, क्योंकि आपका कंप्यूटर का पूरा डेटा ख़त्म हो सकता है। इन चीज़ों से आप बच के रहना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल निमिजीनेट प्रो को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबाइए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। और दोस्तों अगर आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड चाहिए, प्लस में एड फ्री वीडियो चाहिए, कम्प्लीट स्टडी नोट्स चाहिए और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में पता करना है, तो आप हमारी ऐप निमिजीनेट ये येलो कलर में जो आइकन है ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको 1100 प्लस लाइव मॉक टेस्ट चाहिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के, तो दोस्तों आप हमारी ये ऐप ग्रीन वाली इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों के दोनों ऐप दोस्तों प्ले स्टोर के अंदर है, आप निमिजीनेट सर्च करना दोनों ऐप आ जाएगी, और या फिर आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से भी आप ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। NTAUGNET यानी निमिजीनेट, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमिजीनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं UGC NET ICT के अंदर जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में। इसके साथ साथ दोस्तों हम इम्पोर्टेंट फाइल एक्सटेंशन और फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा हम 2020 में अभी जो हमारे एग्ज़ाम हुए इनमें इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो भी हम करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी की, और इसमें मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो दोस्तों बहुत सी फुल फॉर्म्स है, सभी को याद रख पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर API है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसको कहते हैं, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये जो दोस्तों ये फुल फॉर्म 2020 के एग्जाम में आई थी, मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आई थी। उसके बाद में हम बात करते हैं CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। आगे दोस्तों DNS डोमेन नेम सर्विस, या फिर इसको डोमेन नेम सर्वर भी कह सकते हैं। और इसमें दोस्तों जो ब्लैक हमने की हुई है, बोल्ड की हुई है, ये सभी ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर में आई हुई है। DPI की बात करें तो दोस्तों डॉट्स पर इंच होता है, DVI डिजिटल वर्सेस विजुअल इंटरफेस,
डिजिटल विजुअल इंटरफेसिस की फुल फॉर्म है FAT। ये दोस्तों आ चुकी है एग्जाम के अंदर, फाइल एलोकेशन टेबल, उसके बाद में FA 12 बिट फाइल एलोकेशन टेबल, ये आप देख लेना दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात करते हैं, GBPS गीगाबाइट पर सेकंड और गीगाबाइट्स पर सेकंड इसकी फुल फॉर्म है। फिर है दोस्तों CPS, ये अभी हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है 2020 के अंदर उसके अंदर ये आई है, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों साइबर फिजिकल सिस्टम। और उसके बाद में हम बात करते हैं OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। ये दोनों अभी के एग्ज़ाम में आई हुई है। और दोस्तों मैं आपको बहुत बार एक बात कहता हूँ कि आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए दोस्तों, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। ये देखिए GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये पहले आई हुई है दोस्तों, अगर आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे हम बात करते हैं URL, URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये 2020 एग्जाम के अंदर आया है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों MBPS मेगाबाइट पर सेकंड, KBPS किलोबाइट पर सेकंड। और उसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे ये जो है दोस्तों ये हमारा मेमोरी सिस्टम है, KB को किलोबाइट कहते हैं, MB को मेगाबाइट कहते हैं, GB को गीगाबाइट कहते हैं, TB को टेराबाइट कहते हैं। और एक जैसे कि हम बात करें कि 1024 बाइट्स के अंदर 1 किलोबाइट होते हैं, ये सभी जो मेमोरी सिस्टम है दोस्तों आगे की वीडियो में आपको करवाऊँगा बहुत अच्छे तरीके से, मैं आपको मेमोरी सिस्टम करवाऊँगा। मेमोरी से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों MP3 की बात करते हैं, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप Layer 3 ऑडियो, MPEG, ये दोस्तों ये पहले एग्जाम के अंदर आ चुका है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसकी फुल फॉर्म है। आगे हम बात करें दोस्तों जैसे NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, दोस्तों ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत फुल फॉर्म दी हुई है, आप इन सभी को देख लेना। मैं यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बता रहा हूँ। RGB दोस्तों ये आया था, ये एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, रेड ग्रीन ब्लू इसके फुल फॉर्म है दोस्तों। और आगे हम बात करें जैसे SD सिक्योर डिजिटल है, और उसके बाद में VDU, ये आई थी दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है, विजुअल या फिर वीडियो या फिर विजिबल डिस्प्ले यूनिट इसकी फुल फॉर्म है, जिग जिग इन लाइन पैकेज इसकी फुल फॉर्म है। और एक ये दोस्तों CDMA, ये हमारा अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 2020 का उसके अंदर ये फुल फॉर्म आ चुकी है, कोड डिवीजन मल्टीपल SSE इसकी फुल फॉर्म है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स, हार्डवेयर से रिलेटेड क्या क्या फुल फॉर्म हमारी हो सकती है, AMD एडवांस माइक्रो डिवाइस हो गया, ATA एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट हो गया। और आगे जैसे CD की बात करें, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, CD-ROM, ये दोस्तों ये हमारी अभी एग्जाम के अंदर आई है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरीज की फुल फॉर्म है दोस्तों, और ये 2020 एग्जाम के अंदर आई है। उसके आगे हम बात करते हैं दोस्तों CD-RW, इसका मतलब है दोस्तों CD का मतलब तो कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, और RW का मतलब है दोस्तों री राइट टेबल, यानी कि उसको हम दोबारा से राइट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल पर्पस। और CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, DVD की फुल फॉर्म है, DVD की फुल फॉर्म है दोस्तों डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD-ROM डिजिटल वर्सेटाइल या फिर वीडियो डिस्क भी इसको कहते हैं दोस्तों, डिजिटल वीडियो डिस्क या वर्सेटाइल डिस्क दोनों सेम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और DVD-ROM, रैम और रोम के बारे में आपको अच्छे से पता है दोस्तों, ये देख लेना। एक मिनट, यहाँ पे दोस्तों ये रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये यहाँ पे रैम आएगा दोस्तों, यहाँ पे रैम आएगा, ये गलती से दोनों में रोम हो गया, यहाँ पे रैम आएगा, कोई नहीं आप ये देख लेना। और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है FDD, ये पहले एग्जाम में आ चुकी है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इसकी फुल फॉर्म है, HDD की बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव इसकी फुल फॉर्म है। और उसके बाद में LCD, ये आया दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आया है, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसकी फुल फॉर्म है, LED लाइट एमिटिंग डायोड इसकी फुल फॉर्म है, रैम और रोम के बारे में आप सभी को पता है, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत 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 बार आती है, और अब की बार जो एग्जाम है उसके अंदर भी ये आई है। रैम की बात करें तो दोस्तों रैंडम एसएस मेमोरी है, और रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हाँ एक ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SMPS
स्विच मोड पावर सप्लाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक है ये SSD सॉलिड स्टेट डिस्क, इसकी फुल फॉर्म है। और उसके बाद में एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है USB है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आई है दोस्तों, आप देख लेना आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और अभी जो एक एग्जाम के अंदर आई है 2020 एग्जाम के अंदर, ये है दोस्तों BCD, इसकी फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसकी फुल फॉर्म है, ये आप देख लेना दोस्तों। और नेटवर्किंग से रिलेटेड क्या क्या फुल फॉर्म हो सकती हैं, देखिए 2G का मतलब है सेकंड जनरेशन ऑफ मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी, ये थर्ड जनरेशन होगी, ये फोर्थ जनरेशन होगी। अब बात करते हैं FTP की, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है GPRS जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम, और GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, IMAP इंटरनेट मैसेज एसएस प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है। लैन की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क, IP की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये पहले क्वेश्चन में आ चुके हैं दोस्तों, एग्जाम में आ चुके हैं ये। और आगे हम बात करें जैसे मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये भी एग्जाम के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। और उसके बाद में हम बात करें तो इसके अंदर जैसे SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एग्जाम के अंदर आई है, पहले रिपीट हुई है। और VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क, WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, और WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। और हाँ एक ये दोस्तों, ये हमारे एग्जाम के अंदर आई है, वाईफाई की फुल फॉर्म इन्होंने पूछी हुई थी एक बार, वायरलेस फिडेलिटी इसकी फुल फॉर्म है, ये आप ध्यान में रख लेना। आगे दोस्तों हम अदर टेक्नोलॉजिकल ICT फुल फॉर्म की बात करें तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं दोस्तों, जैसे IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हाँ ये दोस्तों एग्जाम के अंदर आ चुकी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये आप देख लेना। और इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट है CPU की दोस्तों, CPU इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, PC की पर्सनल कंप्यूटर हो गया, OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। जैसे हम बात करें दोस्तों ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। और इसके बाद में ये दोस्तों, ये जितने भी फुल फॉर्म है दोस्तों, ये आप सभी एक बार पढ़ जरूर लेना, क्या पता कौन सी एग्ज़ाम में आ जाए। और उसके बाद में जैसे ये हमने सभी कर ली है GIF, हाँ दोस्तों ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ चुका है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, इसकी फुल फॉर्म है, RGB की मैंने बता ही दिया। आगे हम बात करें दोस्तों CMYK, ये दोस्तों कलर है, इसका मतलब है श्यान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक, के का मतलब है दोस्तों ब्लैक होता है इसके अंदर। और आगे हम बात करें DNS डोमेन नेम सिस्टम, ये भी हमने पहले बता दी। हाँ एक HTTP दोस्तों, ये एग्जाम के अंदर आ चुके हैं पहले, इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अभी जो यूज़ करते हैं हम HTTPS, इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, S का मतलब है दोस्तों सिक्योर, सिक्योर मीन्स जहाँ पे पेमेंट वगैरह करते हैं पेटीएम पे, फ्लिपकार्ट पे, तो वहाँ पे इसका यूज होता है, जितनी भी वेबसाइट लेन देन से रिलेटेड है, ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड, वहाँ पे आपको HTTPS लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों HTML, HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, PHP हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, इसकी फुल फॉर्म है। XML का मतलब है दोस्तों एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, CSS कैस्काइडिंग स्टाइल सीट, ये इसकी फुल फॉर्म है। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये देख लेना। WWW, ये भी पहले आ चुका है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म है। और इसके बाद में अगर हम उसकी बात करें दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम की बात करें तो .com कॉमर्शियल के लिए यूज़ होता है, .net नेटवर्किंग वेबसाइट के लिए यूज़ होता है, .org ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट के लिए, .edu एजुकेशन के लिए, .gov गवर्नमेंट के लिए, ये सभी आप देख लेना दोस्तों, इसमें से पहले एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं। और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों एक SEO, SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि वेबसाइट पे हम जो भी गूगल पे हम डालते हैं, सर्च करते हैं, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आती है वो सभी काम करता है, SEO काम करता है। तो ये सभी देख लेना दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्या पता कौन सी आ जाए। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे
इसके अंदर इम्पोर्टेंट फाइल एक्सटेंशन की या फॉर्मेट की बात करते हैं। देखिए इसके अंदर जैसे .mp3 किसके लिए यूज होता है, ऑडियो के लिए यूज होता है, ये हम सभी को पता है। ये ऐसे एग्जांपल देंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर, जैसे तीन फाइल एक्सटेंशन दे देंगे या चार दे देंगे, वो कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा MP3 फाइल एक्सटेंशन नहीं है, ऐसे हमें बताना होगा। .wav ये भी हमारा वेव फाइल यानी कि ऑडियो फाइल के लिए यूज होता है, ये सभी देख लेना। जैसे .midi ये भी हमारा ऑडियो फाइल के लिए यूज होता है, ये सभी ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है दोस्तों। .aif, .cda, .iff, .mid, .mp3, .mpa, .wav, .wma, .wpl। आगे हम बात करते हैं दोस्तों वीडियो फाइल एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर .avi, .flv और .mkv, ये ज़्यादातर हमने ये सभी फाइल एक्सटेंशन देखे हुए दोस्तों। .mp4, MP4 हम पहले बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते थे, आज से 10 साल पहले जो चाइनीज़ मोबाइल आते थे कीपैड वाले, तो उनके अंदर MP4 वीडियो चलाते थे हम बहुत ज़्यादा। और उसके बाद में जैसे 3GP है, 3GP भी बहुत ज़्यादा चलती थी। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इमेज फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो .ai, .bmp हो गया, .gif हो गया, .ico हो गया। और ये देखिए ये .gif ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज, GIF ये हमारा 2020 एग्जाम के अंदर आया है दोस्तों। और आगे हम बात करें .jpeg, JPG को, JPG जो हमारी इमेज होती है उनके लिए यूज़ होता है। PNG हो गया, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इमेज हो गया, और ये सभी देख लेना दोस्तों। .psd हो गया, .svg हो गया, .tiff हो गया। आगे हम बात करते हैं दोस्तों टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो इसके अंदर .doc और .docx हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्जन है अपडेटेड हुआ है उनकी दोनों के फाइल एक्सटेंशन है दोस्तों। और इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जो अभी नया वर्जन चल रहा है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो उसके अंदर कौन सा वर्जन यूज़ किया जा रहा है, .doc या फिर .docx, तो ये आएगा दोस्तों .docx ये करंटली यूज़ किया जा रहा है। आगे हम बात करें .pdf, PDF फाइल ओपन करने के लिए दोस्तों टेक्स्ट हो गया, .wpd हो गया, .rtf हो गया, .msg हो गया, ये सभी चीज़ें आप देख लेना दोस्तों, ये सभी फाइल एक्सटेंशन। आगे हम बात करते हैं दोस्तों स्प्रेडशीट फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो .ods हो गया, .xlr हो गया, .xls हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो .apk, .bat, .bin, .cgi, .com, .exe, .jar, .py, .wsf, ये देख लेना। उसके बाद में सम अदर फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो .avi मल्टीमीडिया के लिए यूज होता है, .bat PC बैच फाइल के लिए यूज़ होता है, .au बेसिक ऑडियो के लिए यूज़ होता है। और हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप बात करें तो दोस्तों ये सभी GIF ये कई बार पढ़ लिया हमने, ये सभी चीज़ें दोस्तों हम ऊपर करके आए हैं, सारी चीज़ें हम करके आए हैं, फिर भी आप दोस्तों इन सभी को एक बार ज़रूर 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 देख लेना, क्या पता एग्ज़ाम के अंदर कौन सी फाइल एक्सटेंशन पूछ ले। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी फाइल एक्सटेंशन समझ में आ गई होगी। अब मैं दोस्तों इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं हमारे 2020 एग्ज़ाम के अंदर वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हमने सभी अभी जितने भी क्वेश्चन आए हैं ICT से रिलेटेड वो अलग करके हैं, कम्युनिकेशन के अलग है, टीचिंग के अलग है, तो अगर आप ये फाइल लेना चाहें तो ये हमसे ले सकते हैं दोस्तों। ऐप के अंदर आप हमारी ऐप इंस्टॉल करना, उसके अंदर आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन आया था, मैं बताता हूँ, ये देखिए 24/9/2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर में आया है, ये इन्होंने पूछा हुआ है CD-ROM के बारे में पूछा हुआ है, तो इसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIOS, इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है। आगे हम बात करें दोस्तों इसके अंदर जैसे GIF की बात करें, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद में बात करें तो दोस्तों देखते हैं कहाँ पे इसमें से क्वेश्चन रिपीट हुए, हाँ ये देखिए CPS, CPS का मतलब है साइबर फिजिकल सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है, ये आप देख सकते हैं।
और उसके बाद भी देख लेते हैं। हाँ ये देखिए, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी आसान आसान फुल फॉर्म हमारे एग्ज़ाम के अंदर आ रही है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर 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 कीजिए, वहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और आगे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 37 है। यहाँ पे CDMA हमने करवाया था, तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इसकी फुल फॉर्म है। और आगे हम बात करें, आगे कोई दिखता है तो देखते हैं। हाँ ये देखिए दोस्तों, BCD की बात की थी ना, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल इसकी फुल फॉर्म है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आपकी सभी यूनिट धीरे धीरे करके करवा देंगे। और दोस्तों अगर आप चाहें ये सभी नोट्स लेने, तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ऐप के अंदर, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों थैंक यू अगर आप दोस्तों। हमारे चैनल पे न्यू हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल निमिजी नेट प्रो को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। और दोस्तों अगर आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड चाहिए, प्लस में एड फ्री वीडियो चाहिए, कम्प्लीट स्टडी नोट्स चाहिए और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में पता करना है, तो आप हमारी ऐप निमिजी नेट, ये येल्लो कलर में जो आइकन है, ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको 1100 प्लस लाइव मॉक टेस्ट चाहिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के, तो दोस्तों आप हमारी ये ऐप ग्रीन वाली इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों के दोनों ऐप दोस्तों प्ले स्टोर के अंदर है, आप निमिज नेट सर्च करना, दोनों ऐप आ जाएगी। और या फिर आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। NTAUGC नेट यानी निमिज नेट, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ICT के अंदर टाइप ऑफ मेमोरी साइज। दोस्तों इसमें से पहले काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं और अलग अलग तरह से क्वेश्चन आते हैं, मेमोरी टाइप काफ़ी अलग अलग हैं दोस्तों, इन सभी के बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो में हम स्पेशल 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं मेमोरी से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है, तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ मेमोरी साइज के बारे में। आपने KB, MB, GB, TB ये सभी के बारे में सुना हुआ है, लेकिन इनके बारे में डिटेल से जानना हमें ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट के बारे में, बिट के बारे में। बिट को रिप्रेजेंट करते छोटे स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते, और इसका इसका जो साइज़ है दोस्तों 1 और 0 है। इसके बाद में निबल आता है, निबल को N से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका साइज़ है 4 बिट्स होता है। उसके बाद बाइट्स आता है दोस्तों, बाइट्स को हम बड़े बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें 8 बिट्स होते हैं। उसके बाद किलोबाइट यानी कि केबी में 1024 बाइट्स होते हैं। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास मेगाबाइट, मेगाबाइट MB से रिप्रेजेंट करते 1024 किलोबाइट होते हैं इसके अंदर। उसके बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट को हम GB से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। आप ये दोस्तों ये सभी बेसिक चीज़ें आप सभी को पहले भी पता होगी, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए और इनमें से किस तरह से क्वेश्चन आए हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आगे हम बात करते हैं दोस्तों TB, 1 TB, टेराबाइट, टेराबाइट में होते हैं दोस्तों 1024 गीगाबाइट होते हैं। उसके बाद में है पेटाबाइट, पेटाबाइट PB रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें होते 1024 टेराबाइट्स होते हैं। उसके बाद में एग्जाबाइट होते हैं, इसे EB से रिप्रेजेंट करते हैं और 1024 पेटाबाइट्स होते हैं। दोस्तों अभी तो जैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए वो यहीं तक आए, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो आगे देख सकते हैं। GB बाइट्स होते हैं, ZB से रिप्रेजेंट करते 1024 एग्जाबाइट होते हैं इसके अंदर। UB बाइट्स
वाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर 1024 GB होते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों इसके अंदर। और अभी जो मुख्य रूप से हम जो यूज़ करते हैं, TB तक यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर वगैरह में, 1 TB, 2 TB, 3 TB, इस तरह की मेमोरी साइज़ हम यूज़ करते हैं। इससे ज़्यादा यूज़ अभी चलन में नहीं है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ट्रेडिशनल यूनिट की बात करते हैं, और इनमें से भी क्वेश्चन आए, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ट्रेडिशनल यूनिट के अंदर क्या है दोस्तों, कीबी बाइट यानी कि किलो बाइट, केबी को रिप्रेजेंट बाइनरी के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 की पावर 10 रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके अंदर बाइट्स कितनी होती है, 1024, ये चीज़ हमने ऊपर पढ़ ली। आगे हम बात करते हैं दोस्तों मीबी बाइट यानी कि मेगा बाइट, इसको रिप्रेजेंट करते 2 की पावर 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बाइनरी के अंदर है दोस्तों, ठीक है। और इसका जो अगर हम इसमें देखें दोस्तों नंबर ऑफ बाइट्स कितनी होते हैं, तो इसमें होती है 104,857,6, इतनी बाइट्स इसके अंदर होती है। आप ये काउंट करना चाहे तो इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग में बस इतना ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो आएंगी पूरी की पूरी जो यूनिट है उसको ध्यान रखना ज़रूरी नहीं, आप इतने इतना ध्यान रख के भी आंसर निकाल सकते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों जीबी बाइट्स के बारे में बात करते हैं, इसकी बाइनरी यूनिट है 2 की पावर 30 है, और इसमें 1073 यहाँ पे देख सकते हैं, ये इतने बाइट्स है। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि बाइनरी, देखिए यहाँ पे बाइनरी की बात चल रही है, बाइनरी के अंदर 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 20 है, 2 की पावर 30 है, 2 की पावर 40 है, 2 की पावर 50 यहाँ पे आ रही है, यानी कि 10 जो पावर है वो बढ़ती हुई आगे जा रही है। आप इस तरह से बिल्कुल आसानी से ध्यान रख सकते हैं। हम सभी को पता है एक चीज़, सबसे पहले के बी आता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले के बी आता है, ये हम सभी को पता है, सबसे पहले के बी आता है, फिर एम बी आता है, फिर जी बी आता है, और फिर टी बी आता है। ये चार चीज़ हम बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। अब हमें कोई ये पूछ ले कि टी बी की बाइनरी, 1 TB इक्वल टू बाइनरी किसके होता है, तो उसको हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों। देखिए टी बी कितने पे आता है हमारे पास, के बी 1, 2, 3, 4 नंबर पे आता है, तो 2 की पावर कितनी कर देंगे, 40 कर देंगे, यानी कि 2 की पावर 40 यहाँ पे हम कर देंगे। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इसको याद रख सकते हैं, आप ट्राई करना दोस्तों, बिल्कुल आसानी से आप याद रख सकते हैं इसको। और उसके बाद भी हम बात करते हैं दोस्तों आगे हमारे पास जैसे एग्जीबाइट, EB 2 की पावर 60 और 2 की पावर 70 हो गया, जी बी बाइट, यो बी बाइट हो गया 2 की पावर 80। तो इतना ज़्यादा डीपली ये नहीं पूछेंगे, ये जो क्वेश्चन पूछेंगे ये TB तक ही पूछेंगे, यहाँ तक ही पूछेंगे। और इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनमें से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, इनमें से कई क्वेश्चन आए हैं आज तक, 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए इसमें 1 KB है, 1 KB को 100 से रिप्रेजेंट करते हैं, और 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा इसके अंदर। और उसके बाद में 1 MB की बात करें तो 10 लाख होगा, और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, 1 मिलियन कहेंगे, ये बाइट्स है दोस्तों इसके अंदर। ये हो गया 10 लाख हो गया। उसके बाद में हम बात करें हैं 1 GB की बात करें तो ये हो गया 1 अरब हो गया, और 1 अरब को इंग्लिश में कहेंगे 1 मिलियन। अब देखिए एग्ज़ाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आएगा, वो ये पूछेंगे 1 अरब इज इक्वल टू 1 MB, 1 GB, 1 KB, किसके इक्वल टू होगा 1 अरब, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। और आगे हम बात करते हैं 1 TB, टीवी 10 खरब हो गया, और ये किसके इक्वल टू होता है, 1 ट्रिलियन के इक्वल टू होता है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी एक ट्रिक बताता हूँ आपको याद रखने की, ये देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, ये देखिए 1 MB, 1 MB की बात करें तो मिलियन हो गया, MB मतलब मिलियन, MM ये मिल गया, इन दोनों के साथ मैच हो गया। आगे हम बात करते हैं दोस्तों TB की बात करते हैं, 1 TB की, टी का हो गया ट्रिलियन, 1 T, देखिए TB मतलब ट्रिलियन, टी का टी के साथ मैच हो रहा है, तो ये 1 TB हो गया, 1 ट्रिलियन हो गया, 1 MB, MB हो गया, 1 मिलियन हो गया, और 1 GB हो गया, 1 बिलियन हो गया। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इसको याद रख सकते हैं। और इसमें से जो क्वेश्चन आए ना वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। और उसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों
ये देखिए, एक और जो चीज़ है जो हमारा मेमोरी साइज से क्वेश्चन आता है वो मैं बताता हूँ आपको। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्टेड कंप्यूटर मेमोरी टाइप फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्पीड। हाई स्पीड से लोवेस्ट स्पीड के अंदर हमें बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, सबसे पहले आएगा सीपीयू रजिस्टर, उसके बाद में कैश मेमोरी, उसके बाद में मेन मेमोरी, और फिर आएगा सेकेंडरी स्टोरेज। ये आएगा, देखिए मेमोरी साइज हमने ये किया था KB MBTB ये किया था, लेकिन इसके अलावा हमारा मेमोरी ये टाइप भी है मेमोरी का, ये भी आप अच्छे से ध्यान में रख लेना। और इसमें आप देख सकते हैं सीपीयू रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये रख लिया। इसके बाद हमारे पास एक और डेटा स्टोरेज का टाइप आता है, वो और हम देख लेते हैं। ये देखिए, इसके अंदर बिट्स, बाइट्स, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस, ये भी आप याद रख लेना दोस्तों। इसमें से करीब 2 बार क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। और उसके बाद में एक और जो कैपेसिटी के हिसाब से, स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से हम देखें तो वो होगा दोस्तों हमारे पास CD-ROM, DVD-ROM, ब्लूरे डिस्क। अब देखिए, हम सभी को पता है सीडी है, सीडी के अंदर पहले हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे सीडी डीवीडी, तो हम सभी को पता है कि सीडी के अंदर कैपेसिटी बहुत कम होती है डीवीडी के मुकाबले। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो मैं आपको 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं मेमोरी से रिलेटेड वो सभी दिखाता हूँ। और दोस्तों, हमने यहाँ पे ICT के जो क्वेश्चन है वो अलग करके, रिसर्च के अलग है, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से उच्चतम स्पीड की दृष्टि से कंप्यूटर मेमोरी की सही सूची कौन सी है, ठीक है? और इसका आंसर है दोस्तों, द्वितीय भंडारण, मुख्य मेमोरी, कैश स्मृति। ये इन्होंने यहाँ पे आंसर दे दिया। ये साइज़ की बात चल रही है दोस्तों, साइज़ की बात चल रही है। अगर स्पीड की बात कर लेते ना, ये स्पीड की बात करते तो कैश मेमोरी सबसे पहले आता, फिर मुख्य मेमोरी, और फिर द्वितीय भंडारण आता, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान में रखना। यहाँ पे साइज़ की बात चल रही है, साइज़ की बात चलेगी तो सेकेंडरी स्टोरेज पहले आएगा, लेकिन अगर स्पीड की बात चले, स्पीड की बात आएगी तो कैश मेमोरी सबसे पहले आएगा हमारा। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि आगे इनमें से किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। और बहुत ही आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से हम इसको याद रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज मेमोरी कंपोनेंट इन द कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस पर बाइट ऑफ स्टोरेज। ये भी स्टोरेज के हिसाब से इन्होंने पूछा हुआ है दोस्तों। तो इसका आंसर हम देख सकते हैं DACV, DACV। ये देखिए, ये क्या आ गया, डी कैश मेमोरी। ये देखिए, ये इन्होंने बाइट्स स्पीड के बारे में बात इन्होंने यहाँ पे की है। और एक्सपेंसिव टू लिस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव टू लिस्ट एक्सपेंसिव के बारे में भी बात यहाँ पे कर रहा है। तो डी आएगा, कैश मेमोरी सबसे पहले आएगा, फिर ए आएगा, DDRM रैम आएगा, उसके बाद में सी आएगा, सी हमारा SSD आएगा, फिर आएगा बी HDD हार्ड डिस्क ड्राइव आएगा। तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, आगे जो क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड, हमारा मेमोरी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए दोस्तों। अभी तो देखिए, हम 2020 के ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसके अलावा हमने 2012 से लेके दिसंबर 2018 तक के भी क्वेश्चन अलग अलग किए हुए हैं, वो भी हम आपको करवाएंगे दोस्तों। अब ये देखिए, भंडारण इकाई के आकार में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब ये देखिए, टेराबाइट, पेटाबाइट, एग्जाबाइट, जेटाबाइट, ये आ गया ना। अभी हमने करके आया था TB हो गया, PB हो गया, और EB हो गया, और ZB हो गया। ये अभी हम करके आए, ये मैं आपको दिखाऊं, अभी दिखा देता हूँ आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये है हमारा PB हो गया, ये देखिए, ये रहा हमारा। इसने पूछा हुआ है टेराबाइट, पेटाबाइट, ये देखिए, टेराबाइट, पेटाबाइट, एग्जाबाइट, जेबाबाइट, ये हो गया, ठीक है? तो जेटाबाइट, सॉरी, जेटाबाइट। तो ये है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद भी हम आगे और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर आए हैं, और इसमें से तो वैसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, हाँ जी, इसमें इतना ही है दोस्तों। और इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि 2012 से लेके
और दिसंबर 2019 तक भी हमने क्वेश्चन अलग अलग किए हुए हैं, वो भी क्वेश्चन हम आगे की क्लासेज में करवाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, हम धीरे धीरे करके सभी यूनिट्स कवर अप करवा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे। इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इमिजिनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम ICT में बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईमेल डोमेन और मेल मर्ज के बारे में। दोस्तों ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे। इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ईमेल के बारे में। देखिए ईमेल होता क्या है, इसके बारे में बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। इसके अंदर क्या होता है कि एक यूज़र दूसरे यूज़र को संदेश और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। देखिए पहले भी हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, लेकिन पहले ऑफलाइन मोड होता था, चिट्ठी लिखते थे। लेकिन आजकल क्या है दोस्तों, हम संदेश भेजते लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदेश भेजते, तो इसे हम क्या कहेंगे, ईमेल कहेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जरिए से सूचनाओं का आदान प्रदान करना, संदेश भेजना ईमेल कहलाता है। और इसके लिए दोस्तों हम अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और अलग अलग वेबसाइट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जीमेल हो गया, याहू हो गया, रेडिट हो गया, काफ़ी तरह की वेबसाइट है जिनका हम यूज करते हैं। और इसमें अब हम बात करते हैं दोस्तों, ईमेल के अंदर मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं और इन तीनों से मिलके हमारी एक एक ईमेल आईडी बनती है। देखिए इसके अंदर एक जैसे हमारा यूज़र नेम हो गया जो हमारा एट द रेट से पहले लगता है, फिर डोमेन नेम हो गया, और इन सभी के बारे में, इन तीनों कंपोनेंट के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। नंबर एक पे आता है दोस्तों, सबसे पहले यूज़र नेम आता है। देखिए यूज़र नेम क्या होता है, जो हमारा एट द रेट से पहले लगता है ना, वो हमारा यूज़र नेम होता है। और ईमेल अकाउंट में लॉगिन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह उस व्यक्ति की पहचान होती है जिसे ईमेल भेजते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों, हम ट्यूटोरियल पंडित यूज़र नेम है। अब देखिए इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। ये देखिए ABCXYZ, ये क्या है दोस्तों, हमारा यूज़र नेम है। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे ram@gmail.com हो गया, यहाँ पर हम सुनील वर्मा कर लेते हैं, यानी कि अपना नाम रखते हैं किसी कंपनी का या किसी भी चीज़ का नाम रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये होता है एट द रेट से पहले, ये होता है हमारा यूज़र
यूजर नेम होता है दोस्तों, जिससे हमारे आगे जिस व्यक्ति को हम भेज रहे हैं उसकी पहचान होती है ये। आगे हम बात करते हैं दोस्तों डोमेन नेम की, बात करते हैं नंबर दो पे। ईमेल एड्रेस में एट द रेट के बाद वाला भाग डोमेन नेम होता है, यह उस सर्वर कंप्यूटर का नाम होता है जहाँ से इंटरनेट के द्वारा हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम जिसको ईमेल भेज रहे हैं वो किस कंप्यूटर के जरिए, किस सर्वर के जरिए ऑपरेट हो रही है वो हमें बताता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसके अंदर एट द रेट के बाद जीमेल आ गया, तो ये क्या दोस्तों डोमेन नेम है, ये जीमेल के द्वारा, गूगल के द्वारा ऑपरेट हो रही है। यहाँ पे कई बार हमारा कंपनी का नेम भी आ सकता है, जैसे रोहतास निम्मी एट द रेट निमिजी नेट डॉट कॉम, तो निमिजी नेट आ गया तो वो क्या मतलब, वो निमिजी नेट द्वारा ऑपरेट हो रही है। और उसके बाद में दोस्तों ईमेल एड्रेस में जीमेल डॉट एक डोमेन नेम है जिसमें एक टॉप लेवल डोमेन भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ डॉट कॉम एक टॉप लेवल डोमेन है। यहाँ बताई गई ईमेल एड्रेस में जीमेल सर्विस प्रोवाइडर है और डॉट कॉम सर्विस प्रोवाइडर के प्रकार को दर्शाता है। अभी ये देखिए इसके अंदर एक चीज़ बताता हूँ आपको, देखिए जीमेल डॉट कॉम हो गया, ठीक है, ये जीमेल क्या है दोस्तों, ये तो हमारा डोमेन नेम हो गया, और डॉट कॉम, डॉट कॉम ये इस डोमेन के टाइप को दर्शाता है कि किस तरह की ये डोमेन है, किस तरह की वेबसाइट है। डॉट कॉम का मतलब है कि ये कॉमर्शियल वेबसाइट है। डॉट ई डी यू यहाँ पर आ जाए तो क्या होगा, वो एजुकेशनल वेबसाइट है या फिर एजुकेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जैसे कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की ईमेल देखें तो वहाँ पर डॉट एस डॉट इन होगा या फिर डॉट ई डी यू होगा, और यहाँ पे डॉट ओ आर जी आ जाए तो डॉट ओ आर जी आएगा, वो कोई संस्था होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो जी मेल है ये हमारी डोमेन होगी, और डॉट कॉम डॉट इन डॉट ई डी यू जो भी होगी वो हमारी टॉप लेवल डोमेन होगी। इसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों, जो टॉप लेवल डोमेन होते हैं इनके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। नंबर तीन पे दोस्तों एट द रेट का चिन्ह है, इसे एट द रेट बोला जाता है दोस्तों, और इसे ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह ईमेल आईडी का उपयोगी हिस्सा होता है। ये देखिए जो ए लिखा हुआ ना, ए के ऊपर इस तरह का ये है साइन, तो इसे हम कहेंगे दोस्तों एट द रेट का साइन कहेंगे। दोस्तों अभी हमने बात की थी ईमेल के पार्ट्स के बारे में, अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, ईमेल के क्या क्या स्ट्रक्चर हैं और उसके क्या सब पार्ट्स हैं। देखिए ईमेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर नंबर एक पे आता है ईमेल एड्रेस आता है, नंबर दो पे हेडर आता है, फिर बॉडी आती है, फिर सिग्नेचर और फिर अटैचमेंट। इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस के बारे में अभी हमने ऊपर बात की है, जैसे abcxyz@gmail.com, ये पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, हमारा ईमेल एड्रेस है, और इनके तीनों जो पार्ट है इनके बारे में हमने बात कर ली। ये हो गया हमारा ईमेल एड्रेस। नंबर दो पे है दोस्तों हेडर इन ईमेल, ईमेल के अंदर हेडर क्या होता है। आपने देखिए जीमेल के अंदर ईमेल भेजी होगी कभी किसी को, जब भी आप उस पर प्लस आइकन पे क्लिक करते तो ऐसा आपके सामने ओपन हो जाता है। ये देखिए ये जो होता है हमारा हेडर जो होता है टू सीसी और बीसीसी, ये हमारा हेडर है दोस्तों। और इसे इसमें देखिए तीन चीज़ें आती हैं, नंबर एक आता है टू, टू मतलब जिसके पास हमें ईमेल भेजना है वो हो गया टू, जैसे राजेश टाक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी, यानी कि यही ईमेल हमें 10 लोगों को भेजने है या अलग अलग लोगों को भेजने, तो यहाँ पे हम उन सभी के एड्रेस डाल देंगे, ज़्यादा जितने भी लोगों के हमें भेजनी है वहाँ पर डाल दें। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, सीसी का मतलब ये होता है कि जिसको ईमेल भेजेंगे, यहाँ पे हमने मान के चलिए चार लोगों के ईमेल डाले हैं, तो चारों को पता चलेगा कि हमारे अलावा और किन किन को ईमेल भेजी गई है। और नंबर तीन पे ये दोस्तों बीसीसी आता है नीचे, बीसीसी का मतलब ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। अब देखिए दिनेश को हम ईमेल भेज रहे हैं, तो ना ही तो राजेश को और ना ही गोदारा एडवर्टाइज़र को, इन दोनों को पता नहीं चलेगा कि ये ईमेल दिनेश कुमार को भी भेजी गई है, यानी कि बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर जिसका ईमेल एड्रेस डालेंगे उसके बारे में और किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये जो तीन चीज़ है दोस्तों टू सीसी बीसीसी, ये आती है हमारे हेडर के अंदर आती है। और हेडर के अंदर ये चीज़ें यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों, हेडर या ईमेल का ऊपरी हिस्सा होता है, इसमें निम्न भाग होते हैं, सेंडर यानी कि ईमेल भेजने वाला, टू जिसको हम भेज रहे हैं, सी जिसके अंदर हम और अदर लोगों के
ईमेल एड्रेस डालते हैं यहाँ पे, काफ़ी लोगों को हमें ईमेल भेजनी पड़ती है। BCC ये मैंने आपको बता ही दिया, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नंबर 4 पे आता है दोस्तों सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे हमारा ये आ गया सब्जेक्ट। यहाँ पे आप डाल सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी जो भी हमें सब्जेक्ट डालना है जिससे अगले को पता चल जाएगी कि ये ईमेल किस लिए बनाई गई है या किस लिए हमारे पास आई है, वो सब्जेक्ट से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। नंबर 3 पे आता है दोस्तों मैसेज बॉडी आता है। मैसेज बॉडी के अंदर ये होता है दोस्तों, ये देखिए ये जो वाइट स्पेस आपको दिख रहा है इसके अंदर, ये मैसेज बॉडी है दोस्तों। इसके अंदर हम अपना पूरा मैसेज लिख सकते हैं, पूरा संदेश लिख सकते हैं, जो भी हमें बात लिखनी है वो हम डिटेल में यहाँ पे लिख सकते हैं। ये होगी दोस्तों हमारी मैसेज बॉडी होगी। नंबर 4 पे दोस्तों सिग्नेचर। सिग्नेचर इसके अंदर दोस्तों हम नीचे ही नीचे देते हैं। सिग्नेचर मीन्स इसके अंदर हम ऑटो पहले से ही तैयार करके रख सकते हैं सिग्नेचर। और वो सिग्नेचर क्या होगा दोस्तों, जब भी हम किसी को ईमेल भेजेंगे तो वो सिग्नेचर हमें बार 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 अटैच करने की जरूरत नहीं है, वो एक बार अटैच करना है, एक बार लगाना है सिग्नेचर, वो हर बार अगले व्यक्ति के पास चला जाएगा सिग्नेचर। नंबर 5 पे दोस्तों अटैचमेंट। अटैचमेंट के अंदर देखिए जैसे ये है हमारा, ये ए आ गया और ए के साइड में ये देखिए एक पिन के से जैसा आपको दिखाई दे रहा है आइकन, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम फोटो अटैच कर सकते हैं, वीडियो अटैच कर सकते हैं, ऑडियो फाइल अटैच कर सकते हैं, बहुत सी मल्टीमीडिया फाइल्स अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक और ये पिन का निशान है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम किसी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं और कोई URL यहाँ से हम भेज सकते हैं, यहाँ पे इमोजी भेज सकते हैं। ये देखिए ये गूगल ड्राइव का आइकन है, यहाँ पे अगर हमारे पास गूगल ड्राइव के अंदर कोई अटैचमेंट पड़ी हुई है तो उसका लिंक भी यहाँ पे भेज सकते हैं, ये फोटो भेज सकते हैं। तो काफी तरह की चीजें दोस्तों यहां पे हम अटैच करके हमारे संदेश के साथ भेज सकते हैं। तो ये मुख्य चीज़ है दोस्तों हमारे ईमेल एड्रेस के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आगे आता है हमारे पास मेल मर्ज। ये देखिए दोस्तों ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से करीब 4 से 5 बार पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मेल मर्ज के अंदर क्या होता है देखिए, इसके अंदर हम एक साथ बहुत से लोगों को ईमेल करते हैं, और सॉरी ईमेल नहीं करते, इसके अंदर हम पत्र भेजते हैं बहुत से लोगों को। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, हमें शादी का कार्ड भेजना है, शादी का कार्ड हमें 100 लोगों को भेजना है, तो अंदर जो मटेरियल है वो बिल्कुल सेम रहेगा दोस्तों, वो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन ऊपर का जो एड्रेस है वो हमें चेंज करना पड़ता है, हमारे रिश्तेदारों के नाम लिखने पड़ते हैं, लेकिन अंदर का जो मटेरियल है वो बिल्कुल सेम रहता है। एनवलोप पे जो हम भेज रहे हैं, जिसको भेज रहे हैं वो एड्रेस बस अलग होगा, उसका नाम अलग होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारे उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर होता है, वो एक लेटर हमने टाइप कर लिया, और उसके बाद में जिन जिन लोगों को हमें वो भेजना है, पत्र भेजना है, उन सभी के हम नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह डाल देते हैं और फिर वहाँ से प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालने से क्या होगा दोस्तों, जैसे मान के चलिए हमारे पास 100 प्रिंट निकले, 100 प्रिंट के अंदर क्या होगा, ईमेल एड्रेस जो सॉरी एड्रेस होगा, नाम होगा, फ़ोन नंबर होगा, वो अलग होगा, और अंदर जो मटेरियल होगा वो बिल्कुल सही सेम होगा। इसका मतलब आसान भाषा में मैं समझाऊं तो आपको, इसका मतलब ये है दोस्तों, एक ही पत्र को अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं। एक ग्रुप में लेटर तैयार करना होता है, यानी कि एक लेटर को हज़ारों व्यक्तियों के पास भेज सकते हैं और उनका एड्रेस अलग अलग हो सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, मेल मर्ज कहेंगे, और इसका उपयोग प्रवेश पत्र, निमंत्रण पत्र, ऑफिशियल लेटर इत्यादि के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कभी यूज़ किया हुआ होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इसमें मोटी सी चीज़ समझने वाली यही है, और यही एग्ज़ाम के अंदर आती है, जब हम बहुत ज़्यादा लोगों को संदेश भेजने के लिए मेल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे मेल मर्ज कहेंगे। और इसमें ये लिखा हुआ होता है कि उसके अंदर का जो मटेरियल है वो बिल्कुल सेम रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, मेल मर्ज होगा। आप इसको ध्यान से देखना, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करना, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ स्पैमिंग और जंक। देखिए स्पैमिंग और जंक का मतलब ये है कि ऐसी ईमेल जो हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की नहीं है, फालतू की एडवर्टाइजमेंट की भी हो सकती है या फिर वो फ्रॉड के लिए भी हो सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पैमिंग और जंक मेल कहेंगे। जैसे आपने अपने जीमेल के अंदर देखे होंगे कि बहुत सी ईमेल, बहुत सी एडवर्टाइजमेंट हमारे ईमेल के अंदर आ जाती है जो हमने कभी नहीं
मंगवाई हुई होती और हमने कभी एड्रेस नहीं दिया हुआ, तब फिर भी वो आ जाते तो उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारे स्पैमिंग और जंक मेल होगी। और ये क्या होते हैं दोस्तों, यूज़र के कंप्यूटर का डेटा चोरी करना होता है इनका काम, ये हो सकता है स्पैमिंग मेल का काम ये हो सकता है। और दूसरा इसको ये कह सकते हैं दोस्तों, अवांछित संदेश या विज्ञापन को भेजना स्पैम कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों पहले, अवांछित ईमेल अगर आपके एड्रेस पे आई है तो उसे हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे दोस्तों स्पैमिंग या जंक मेल कहेंगे। और ऐसे बहुत सी चीज़ें आते हैं दोस्तों हमारे, स्पैमिंग ईमेल, प्रमोशनल ईमेल्स बहुत सी आते हैं जिससे हमें इरिटेशन होने लगता है, बहुत पूरा हमारा ईमेल अकाउंट भर जाता है ऐसी ईमेल से। तो आप इनको स्टॉप भी कर सकते हैं, वहाँ पे जीमेल के अंदर ऑप्शन होते हैं इनको स्टॉप करने का। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नाम वेबसाइट के उद्देश्य को पहचानता है, अर्थात यहाँ डॉट कॉम डोमेन नाम बताता है कि यह व्यापारिक साइट है। डोमेन नेम सिस्टम के अंदर दोस्तों हमारी टॉप लेवल डोमेन होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, और पूरे यूआरएल के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पूरे यूआरएल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यूआरएल, यूआरएल की फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसके अंदर देखिए आपने ये चीज़ें देखी होगी, HTTPS भी लिखा हुआ होता है, यहाँ पे S का मतलब होता है सिक्योर वेबसाइट। ये हमारे जैसे फ्लिपकार्ट हो गए, पेटीएम हो गया, जितनी भी व्यापारिक वेबसाइट है जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है वहाँ पे HTTPS का यूज़ किया जाता है। अब देखिए जो भी हमारी वेबसाइट होगी उसके अंदर ये कंपोनेंट आपको मिलेंगे, HTTPS या फिर www.google.com। इसके अंदर देखिए सबसे पहले आता है HTTP, ये होती है दोस्तों प्रोटोकॉल होती है हमारी, किस प्रोटोकॉल से हमारी वेबसाइट चल रही है। उसके बाद में आती है दोस्तों www. या फिर वेप, wap.com, इस तरह से अलग अलग होते हैं। ये होती है दोस्तों हमारे पास सब डोमेन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सब डोमेन कहते हैं। नंबर तीन पे दोस्तों गूगल, ये देखिए ये जो नाम होगा दोस्तों ये हमारी डोमेन नेम होगा जिससे हमारी वेबसाइट की पहचान होती है। जैसे हमारी वेबसाइट का नाम है www.nimiji.com, तो निमिजी जो है दोस्तों वो हमारी वेबसाइट की आइडेंटिटी है, वो हमारी पहचान है। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा डोमेन नेम है। और नंबर तीन लास्ट में आता है दोस्तों हमारे पास टॉप लेवल डोमेन TLD। देखिए डॉट कॉम होता है किसी में, किसी में डॉट EDU होता है, किसी में डॉट IN होता है, तो अलग अलग होती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों टॉप लेवल डोमेन के अंदर जो मोस्टली यूज़ होता है डॉट कॉम यूज़ होता है। ये देखिए वैसे देखा जाए तो ये व्यापारिक वेबसाइट जो होती है जहाँ पे लेन देन होता है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, लाभ कमाने वाली वेबसाइट या फिर किसी बिजनेस के लिए वेबसाइट होती है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है डॉट कॉम का। लेकिन आजकल दोस्तों इसको हर कोई यूज़ करने लग गया क्योंकि ये देखने में अच्छी लगती है। उसके बाद में हम बात करते हैं डॉट EDU की बात करते हैं, जहाँ पे एजुकेशनल वेबसाइट हो, कोई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट हो, वहां पे .edu का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों .gov, जहां पे सरकारी वेबसाइट हो, गवर्नमेंटल वेबसाइट के लिए .gov यूज किया जाता है। फिर है .mil, जहां पे सैनिक के लिए कोई काम किया जाए वेबसाइट के जरिए तो वहां पे .mil मिलिट्री यूज होगा। उसके बाद है दोस्तों .net, नेट यानी कि नेटवर्किंग के लिए जो वेबसाइट यूज की जाए, जहाँ पे काफ़ी लोगों को जोड़ा जाए, नेटवर्क बनाया जाए, वहाँ पे .net का यूज होगा। उसके बाद है दोस्तों .co, .co का मतलब कोई कंपनी की वेबसाइट हो वहाँ पे हम .co का यूज कर सकते हैं। और वैसे तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि ज़्यादातर लोग आज .com का यूज कर रहे हैं क्योंकि ये देखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, लेकिन फिर भी कंपनी अगर कोई स्पेसिफिक यूज़ करना चाहे तो डॉट को यूज़ कर सकता है। उसके बाद में .org, ORG का मतलब है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशनल कोई वेबसाइट है वो इसका यूज़ कर सकते हैं, .org यूज़ कर सकते हैं। आप इनको देख लीजिए दोस्तों एक बार कि .edu का भी यूज़ होता है, .com का भी यूज़ होता है, और इनमें से क्वेश्चन आ चुके दोस्तों, बहुत बार इनमें से क्वेश्चन आए, आप इसको अच्छे से कर लेना, ध्यान से कर लेना, क्योंकि आगे भी इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये URL हमने करवाई दिया दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भी बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लिमिजिनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम ICT में बात करने वाले हैं टाइप ऑफ नेटवर्क, लैन वैन वैन के बारे में, टाइप ऑफ टोपोलॉजी, टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। ये तीनों टॉपिक हमारे लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से पहले काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। और आज दोस्तों हम थ्योरी के साथ साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि इनमें से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना।
दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे। इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क की। देखिए हमारे कंप्यूटर में काफ़ी तरह के नेटवर्क हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से लोकल एरिया नेटवर्क जिसे लैन कहते हैं, मैन, वैन, ये तीन तरह के नेटवर्क है। और इन्हीं तीनों के बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो इन तीनों को हम अच्छे से करेंगे। सबसे पहले आता है दोस्तों हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए जैसा नाम से ही पता चल रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो आपके घर, कार्यालय, स्कूल के कंप्यूटरों में किया जाता है। और इसका जो एरिया होता है दोस्तों लोकल होता है, बहुत सीमित एरिया के अंदर ये नेटवर्किंग की जाती है। लोकल एरिया नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो नेटवर्क है दोस्तों बहुत ही सरल और सहज होता है। इसका जो दायरा होता है दोस्तों ये सीमित होता है। जैसा कि मान के चलिए अपने स्कूल के अंदर कंप्यूटर जोड़ने 100 से लेकर 1000 तक कंप्यूटर इसके अंदर जोड़ सकते हैं, लेकिन वो लोकल होगा, एक जगह पे होगा, अलग अलग जगह नहीं होगी उसकी। तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने में जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इथरनेट कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकती है कि लोकल एरिया नेटवर्क को तैयार करने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इथरनेट कहते हैं। और इसके अंदर 100 से 1000 कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक तो दोस्तों इन तीनों की आपको फुल फॉर्म याद होना ज़रूरी है, क्योंकि फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। यह कई किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ हो सकता है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में दोस्तों हम कई सारे राउटर, स्विच और हब्स का इस्तेमाल करके इस नेटवर्क को बनाते हैं। और इसके अंदर दोस्तों हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिकल तारों का इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ भी आप याद रखना। और क्योंकि अलग अलग नेटवर्क में अलग अलग ऑप्टिकल तारों का यूज़ किया जा सकता है, अलग अलग डिवाइस का यूज़ किया जा सकता है। यह लैन से बड़ा तथा वैन से छोटा होता है। जो मैन होता है ना दोस्तों वो इन दोनों के बीच का होता है, लैन और वैन के बीच में होता है। अब देखिए इसे एक थोड़ा सा फनी एग्जांपल ले सकते हैं, मैन मतलब आदमी, आदमी बिल्कुल बीच में फंस जाता है, अपनी जो पत्नी होती है उसके बीच में और अपनी माँ होती है, उन दोनों के बीच में फंस जाता है, किसकी वो साइड ले। तो आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं, मैन जो होता है वो बीच का होता है, लैन, मैन, वैन। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और ये एग्ज़ाम के अंदर आता है दोस्तों क्वेश्चन, इसमें से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना आता है कि क्रम वाइज लगाइए। तो क्रम वाइज इसमें ये है, लैन सबसे पहले आएगा, मैन बीच में आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आदमी बीच में फंस जाता है, मैन, और फिर आएगा वैन। ठीक है, इस तरह से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। और इसका जो एरिया होता है दोस्तों, इसका एरिया 75 किलोमीटर होता है, 75 किलोमीटर एरिया जो रेडियस है उसके अंदर इस नेटवर्क को इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो स्पीड है दोस्तों 200 MB/s इसकी स्पीड हो सकती है। और उसके बाद में नंबर 3 पे आता है दोस्तों हमारे पास वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। एक तो दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ सभी की फुल फॉर्म आपको याद रखना ज़रूरी है। और इसका जो एरिया होता है दोस्तों वो 75 किलोमीटर से अधिक का एरिया होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वैन कहेंगे। इस नेटवर्क को जोड़ने के लिए लीज्ड लाइन कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है, लीज्ड लाइन कनेक्शन का उपयोग किया जाता था। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैन के अंदर क्या था, हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिकल तारों का उपयोग किया जा रहा था, ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना। और लीज लाइन ऐसी सीधी टेलीफोन लाइन होती है जो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ती है। ठीक है, और वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि बहुत बड़ा एरिया होता है, और इसके अंदर बहुत 75 किलोमीटर से ज़्यादा नेटवर्किंग हम इसमें कर सकते हैं।
ठीक है, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे आता है हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। देखिए, टोपोलॉजी नेटवर्क कंप्यूटर सर्वर मेनफ्रेम नेटवर्क डिवाइस या अन्य ऐसी डिवाइस जो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करती है, उनका आपस में कनेक्शन चाहे वो वायरलेस हो या फिर केबल के द्वारा हो, वो नेटवर्क किस तरह से हुआ है, उसका लेआउट क्या है, उसकी आकृति क्या है, इस सभी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, टोपोलॉजी कहते हैं। तो टोपोलॉजी को हम नॉर्मल भाषा में समझें तो दोस्तों, टोपोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमें ये पता चल जाता है कि जो हम नेटवर्क तैयार कर रहे हैं उसमें किस कंप्यूटर का यूज़ हुआ है, किस सर्वर का यूज़ हुआ, किस मेन फ्रेम का, किस डिवाइस का, इन सभी को मिला के हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। ये दोनों शब्द मिलके ही नेटवर्क टोपोलॉजी बनाते हैं। और नेटवर्क टोपोलॉजी दोस्तों चार तरह की हो सकती है जो हमारे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। इन सभी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी। देखिए, रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर हैं वो गोल दायरे के अंदर रिंग के आकार में जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ में गोलाकृति में जुड़े हुए होते हैं। और सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में अपने अधीन सबऑर्डिनेट कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। इसमें कोई होस्ट या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता। आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, एक कंप्यूटर दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए सभी, और कोई भी इसके अंदर मेन कंप्यूटर नहीं होता। और इसके साथ दोस्तों, इसमें रिंग नेटवर्क में साधारण गति से डेटा का आदान प्रदान होता है। इसमें नॉर्मल स्पीड होती है, नॉर्मल सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। और मेन चीज़ इसके अंदर ये है, इसके अंदर ना ही तो कोई मेन कंप्यूटर होता है, ना ही कंट्रोलिंग कंप्यूटर होता है, और ये सभी एक गोलाकृति में जुड़े हुए होते हैं। नंबर दो पे हम बात करते हैं दोस्तों, बस नेटवर्क टोपोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, बस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक ही केबल से सभी कंप्यूटर को एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। जोड़ने के लिए एक टर्मिनल का इस्तेमाल किया जाता है। इस नेटवर्क को इंस्टॉल करना आसान होता है, लेकिन किसी एक कंप्यूटर में खराबी होने पर पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। देखिए, बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि ये जितने भी कंप्यूटर है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। मान के चलिए इसके अंदर ये कंप्यूटर खराब हो गया तो सारे के सारे कंप्यूटर खराब हो जाएंगे। इनमें से कोई भी एक खराब हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि बस की तरह ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नंबर तीन पे हम बात करते हैं दोस्तों, स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आप यहाँ पे पिक भी देख सकते हैं, ये एक स्टार की आकृति में जुड़े हुए होते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी में एक हब से ही सारे कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। इस नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिससे बाकी सभी कंप्यूटरों को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि सारे के सारे कंप्यूटर एक हब कंप्यूटर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बीच में, इससे ये जुड़े हुए होते हैं। और अगर ये हब कंप्यूटर बीच में ये जो है इस अगर ये खराब हो गया तो सारे के सारे कंप्यूटर वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, हब का ठीक रहना हमारे लिए जरूरी है। अगर मान के चलिए हब ठीक है और ये कंप्यूटर खराब हो गया तो दूसरे कंप्यूटर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हब का ठीक होना जरूरी है। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, अगर हब में कोई खराबी आती है तो सारा का सारा नेटवर्क बेकार हो जाता है, लेकिन अगर कोई लोकल कंप्यूटर खराब होता है तो शेष नेटवर्क इससे प्रभावित नहीं होगा। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, मैश नेटवर्क टोपोलॉजी। मैश नेटवर्क टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ही अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जिग जैग मोशन के जरिए जुड़े हुए होते हैं। कोई किसी से जुड़ा है, कोई किसी से जुड़ा है, आप यहाँ पर ये पिक्चर देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं। किसी भी मैश कंप्यूटर में कोई खराबी आती है तो भी ये नेटवर्क काम करता रहता है। टोपोलॉजी को मैश नेटवर्क टोपोलॉजी या मैश भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसमें से कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों आगे हम बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल की। इसके अंदर होता है दोस्तों आईपी एड्रेस। एड्रेस मीन्स आपको पता चल गया कि किसी के पते की बात यहाँ पे चल रही है, किसी के एड्रेस की बात चल रही है। यहाँ पे जो एड्रेस है दोस्तों वो हम बात कर रहे हैं मोबाइल के एड्रेस, कंप्यूटर, इंटरनेट के एड्रेस की बात कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए फिजिकल के अंदर, मान के चलिए कोई चोरी कर ली, किसी चोर ने किसी घर से सामान चुरा लिया तो हम उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनेट पर कोई व्यक्ति
या फिर कंप्यूटर पे कोई व्यक्ति गलत काम कर दे तो उसको हम कैसे पकड़ सकते हैं, उसको हम आईपी एड्रेस से पकड़ सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। अब देखिए आईपी वर्जन दो तरह के हो सकते हैं दोस्तों, एक आईपी वर्जन 4 ये 32 बिट का होता है, और इसमें देखिए अब बिट और बाइट के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो बिट जो होती है ना दोस्तों वो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, और 4 बिट से मिलके एक निबल बनता है। एक निबल किसके इक्वल होता है 4 बिट के इक्वल होता है। इसी तरीके से बाइट की अगर हम बात करें तो 8 बिट के इक्वल टू 1 बाइट होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं दोस्तों आईपी एड्रेस की बात करते हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं। आईपी वर्जन 4 ये दोस्तों मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है। इसको हम कहते हैं IPv4 कहते हुए 32 बिट का होता है, और इसी तरीके से एक और होता है अपने पास IPv4, तो ये हमने पढ़ लिया। एक होता है IPv6 होता है, इसके अंदर जो बिट्स होते हैं 128 बिट्स होती है, ये आप ध्यान में रखना। दोस्तों अगर हम इसमें डिटेल में बात करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, हमें इसमें डिटेल से जानने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें इतना पता होना चाहिए कि आईपी वर्जन दो तरह के होते हैं, एक तो आईपी वर्जन 4 होता है IPv4, और एक आईपी वर्जन 6 IPv6। अब देखिए आईपी वर्जन 4 के अंदर 32 बिट होते हैं और IPv6 के अंदर 128 बिट्स होते हैं, और इसको हम दोस्तों PNG आईपी न्यू जनरेशन के नाम से भी जानते हैं। IPv6 को देखिए, PNG एक वो भी था हमारा फोटो के अंदर था, वो अलग है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ये अलग है आईपी न्यू जनरेशन, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों व्हाट इज़ प्रोटोकॉल एंड इट्स टाइप, प्रोटोकॉल क्या होती है और इसकी क्या क्या टाइप है। प्रोटोकॉल का मतलब ये है दोस्तों, जब भी हम इंटरनेट पे या कंप्यूटर पे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं, तो उसका क्या रूल है, किस हिसाब से वो शेयर हो रही है, क्या उसके अंदर टेक्नोलॉजी लग रही है, तो उसको हम कहेंगे प्रोटोकॉल कहेंगे। अब देखिए इंटरनेट पर प्रोटोकॉल कितने तरह की होती है, उन सभी के बारे में हम बात करते हैं। नंबर एक पे आते हैं दोस्तों हमारे पास TCP आती है, और एक चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। TCP की फुल फॉर्म है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है। TCP जिसकी फुल फॉर्म हमने पढ़ी ली, इसके कार्य की बात करें तो सेंडर से जब एक मैसेज रिसीव होता है तब TCP मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है। देखिए सेंडर हमें कोई मैसेज देता है तो TCP क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर उस मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर देता है, और ये छोटे छोटे पैकेट्स एक यूनिक सीरियल नंबर के अंदर होते हैं, और रिसीवर के पास जब ये पहुंचते हैं, ये पैकेट्स के अंदर पहुंचते हैं, सीरियल नंबर के अंदर पहुंचते हैं, तो इनको रीअसेंबल किया जाता है, दोबारा से फिर से जोड़ा जाता है, और फिर एक मैसेज तैयार किया जाता है, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल पाती है, और जिसको हम फिर अपनी भाषा में उसको पढ़ सकते हैं। ये बीच का जो प्रोसेस है दोस्तों छोटे छोटे पैकेट्स में नंबर में ये जब डिवाइड होता है तो ये हमें पता नहीं चलता, और इसको हम रीड भी नहीं कर सकते, इसको हम समझ नहीं पाते। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर अपने हिसाब से करता है, और बाद में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंचते है उसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके दोस्तों आगे हम बात करते हैं नंबर दो पे, इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IP कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। और जो हमने ऊपर पढ़ा TCP और IP, ये दोनों लगभग एक जैसे से ही है, ज़्यादा इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये देखिए IP प्रोटोकॉल क्या होती है, जब भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या फिर लेते हैं या फिर कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसका एक एड्रेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं IP एड्रेस कहते हैं, और ये सभी इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर आती है। देखिए इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल IP एड्रेस बनता है हमारा, किससे बनता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल से बनता है हमारा, आईपी एड्रेस बनता है। आईपी एड्रेस क्या होता है दोस्तों, जैसे ये मान के चलिए आप वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो वेबसाइट ओपन करते तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह के सीरियल नंबर दिखे होंगे, ऐसे डिजिट आपको देखने को मिलेंगी, तो उसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस कहते हैं। और ये आईपी एड्रेस ही हमें पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया के कंप्यूटर से जोड़ते हैं, और इन्हीं के द्वारा हम किसी को ढूंढ सकते हैं, किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो उसको हम ढूंढ सकते हैं। मान के चलिए कोई व्यक्ति है, उसने फेसबुक पे अपना नाम गलत लिख दिया, उसने मान लो लड़की के नाम से ID बना ली लेकिन लड़का है और वो गलत काम कर रहा है, तो उसको हम IP एड्रेस के ज़रिए बिल्कुल आसानी से पकड़ सकते हैं। ये काम पुलिस का होता है, किस तरह से करना है, क्या करना है, उनको पूरी जानकारी होती है, और ये सभी काम हमारा IP एड्रेस के ज़रिए होता है। और इससे रिलेटेड
दोस्तों क्वेश्चन आए हैं, हमारा ये जो 2020 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आए हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं आप सभी को दिखाऊंगा, तो आप पूरी वीडियो में बने रहना। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP की बात करते, इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई थी। इस जो प्रोटोकॉल का नाम शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, इसका इस्तेमाल दोस्तों ईमेल के अंदर रिसीव और सेंड करने के लिए किया जाता है। ईमेल के अंदर जो भी हम डेटा सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं इसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आप ध्यान में रखना। ईमेल के अंदर डेटा रिसीव और सेंड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों नंबर 5 पे हम बात करते हैं SMTP की, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए इसकी एक बार फुल फॉर्म पूछी हुई थी तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, और बार बार आपको यही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सभी की आपको फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इसका क्या काम होता है, जैसे कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल, रेडिफ कंपनियाँ हैं ईमेल की, ये क्या करते हैं कि ईमेल को भेजने या फिर रिसीव करने में जब इनके पास कोई ईमेल आता है तो ये आइडेंटिफाई करते हैं ये ईमेल कैसी है, ये स्पैमिंग ईमेल है, ये जंक मेल है या फिर प्रमोशनल मेल है, तो वो उसको डिफाइन करते हैं और उसी हिसाब से वो अलग अलग फोल्डर में उनको डिवाइड करते हैं और अलग फोल्डर में भेजती है। तो इनका काम ये होता है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म आप याद रख लेना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों FTP की बात करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे नाम से पता चल रहा है जब हम इंटरनेट पर कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं या फिर अपलोड कर रहे हैं तो उसके लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर लगभग सभी तरह की मल्टीमीडिया फाइल आ जाती है, जैसे कि वीडियो फाइल होगी, फ्लैश फाइल होगी, टेक्स्ट फाइल होगी, इमेज फाइल होगी, जितनी भी हमारी मल्टीमीडिया फाइल्स हैं वो FTP के ज़रिए ही ट्रांसफ़र और सेंड होती है। दोस्तों नंबर 7 पे हम बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP की बात करते हैं, ये भी एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है दोस्तों, जब हम वेबसाइट वगैरह यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो HTTP लगा हुआ होता है, तो इसका काम यही होता है कि जो वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन है वो एक कंप्यूटर पर दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर करने का काम होता है, और इसके द्वारा दोस्तों हमारे HTML वेब पेजेस बनाए जाते हैं। दोस्तों आपको HTML की भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसकी फुल फॉर्म है, और ये हमारे डिजाइनिंग के अंदर यूज़ होती है। एक वेबसाइट या व्लॉग में सारे कोड, टेक्स्ट, वीडियो, इमेज फाइल वगैरह सारी की सारी चीज़ें दोस्तों HTML के अंदर लिखी जाती हैं, और ये दोस्तों जो HTTP है ये हमारी वेबसाइट के लिए यूज़ होता है, और ये सर्वर को एस्टेब्लिश करता है, कनेक्शन जोड़ता है, ये सारा का सारा काम करता है। और एक और जो चीज़ दोस्तों इसके अंदर वो और मैं बता देता हूँ, एक मिलेगा आपको HTTPS लिखा हुआ मिलेगा, ये देखिए P के बाद में S लिखा हुआ मिलेगा, S का मतलब है सिक्योर, सिक्योर का मतलब है जहाँ पे हम लेन देन कर रहे हैं, जहाँ पे जैसे मान लें Paytm पे हम रिचार्ज कर रहे हैं या फिर बिल पेमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसी वेबसाइट जहाँ पे हम पैसों का लेन देन करें तो वहाँ पे HTTPS लिखा हुआ होगा, S का मतलब है सिक्योर, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं इथरनेट की बात करते हैं, इथरनेट हमने शुरू में बात की थी, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इथरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इथरनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल लोकल एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन में किया जाता है, यह इंफॉर्मेशन को डिजिटल पैकेट के रूप में भेजता है। जो भी कंप्यूटर दोस्तों इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है वह इथरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC का उपयोग करता है। यह एक तरह का कार्ड होता है जिसके ऊपर एक माइक्रोचिप होती है और उसमें यूनिक एड्रेस कोड लिखे हुए होते हैं, इसी कोड का इस्तेमाल करके दोस्तों सिस्टम का पता लगाने में इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों नंबर 9 पे टेलनेट, यह भी एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल लोकल एरिया नेटवर्क में रिमोट कंप्यूटर को एसेस करने के लिए किया जाता है। मान के चलिए दो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, दूसरे कंप्यूटर को हमें चलाना है, जैसे एनी डेस्क हम यूज़ करते हैं या फिर टीम व्यूवर यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करना है हमें। वेब में HTTP और FTP की मदद से किसी भी दूसरे कंप्यूटर की फाइल को एक्सेस करने की अनुमति देता है ये, मगर आप लॉगिन नहीं कर सकते, लेकिन
टेलनेट के जरिए आप रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन भी कर सकते हैं और एप्लीकेशन डेटा और एसेस भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मल तरीके से जैसे एचटीपी, हम मान के चलिए किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, ओपन कर लिया हमने, लेकिन हम उसकी इंटरनल चीज़ों को नहीं देख सकते, उसके एडमिन पैनल को नहीं देख सकते, लेकिन अगर हमारे पास टेलनेट है तो हम उस कंप्यूटर को लॉगिन कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं, बहुत कुछ हम उसके साथ कर सकते हैं, उसका पूरा का पूरा डेटा हम एसेस कर सकते हैं। ये चीज़ है दोस्तों इसके अंदर। और अगर आप चाहे तो इसमें पढ़ सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सिंपल चीज़ें इसमें दी हुई है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट, आप हमारी ऐप निमिजनेट डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर आपको ये सभी नोट्स मिल जाएंगे। आगे नंबर 10 पे हम बात करते हैं दोस्तों, गोफर की बात करते हैं। ये भी दोस्तों एक प्रोग्राम है, सेट ऑफ रूल है, या फिर इसको एक प्रोटोकॉल कह सकते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये भी एक क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर ये होता है कि एक हमारा सर्वर कंप्यूटर होता है, सर्वर कंप्यूटर में जो भी फाइल पड़ी है उसको हम लोकल कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जितने भी हमारे जैसे डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल है, प्रोग्राम है, इन्फॉर्मेशन है, उन सभी को हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हाइपरलिंक्स नहीं होते। इसके जो लिंक्स होते हैं वो मेन्यू के रूप में होते हैं, लिस्ट के रूप में होते हैं, तो उनको हम उस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे लिंक दूसरे डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम के लिंक है, इन लिंक के जरिए यूजर डेटा को अपने रिमोट कंप्यूटर में एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो गोफर का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की। आज तक जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम देखते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमारे ICT से रिलेटेड, वो हमने अलग कर रखे हैं। उससे आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए निमिजनेट। अब देखिए दोस्तों, ये जून 2012 के अंदर क्वेश्चन आया था कि TCP है वो किससे कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसका आंसर सी है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया। आप बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं, और इसकी फुल फॉर्म हमने पढ़ी थी TCP की, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब आगे देखते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड और किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। ये हमारा एक और क्वेश्चन आ गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि डैश इज ए प्रोटोकॉल यूज बाय ईमेल क्लाइंट टू डाउनलोड ईमेल टू योर कंप्यूटर। कंप्यूटर में ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, POP का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आसान है हमारे लिए। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे इनमें से किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। एक ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए जून 2014 के अंदर आया है कि FTP की फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए हैं। बिल्कुल आसान है दोस्तों, अगर आप ये टॉपिक वाइज PDF करते हैं, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से नेट और GRF क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये हमने सभी क्वेश्चन अलग अलग किए हुए हैं दोस्तों, जैसे टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है। अब ये देखिए दोस्तों, ये वही आ गया ना, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमें इसको अरेंज करना है। लैन मैन वैन के बारे में मैंने आपको बात की थी, तो इसका आंसर 2 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा लैन मैन वैन। मैन मीन्स आदमी है, आदमी बेचारा बीच में फंस जाता है, तो ये बीच में आ गया लैन मैन वैन। बिल्कुल आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। और ये आया था हमारा दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था 18 दिसंबर 2018 को क्वेश्चन आया था। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि और नेटवर्किंग वगैरह से किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए यह आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, मॉडम इज ए नेटवर्किंग डिवाइस, मॉडम इज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर, मॉडम कन्वर्ट एनालॉग डिजिटल टू डिजिटल सिग्नल एंड वॉइस वर्सा। तो इसका आंसर है 2 है दोस्तों, इसका 2 है, ए और सी। मॉडम इज ए नेटवर्किंग डिवाइस है। मॉडम का इस्तेमाल करते दोस्तों जब हम वाइफ जो इंटरनेट है ना, जैसे BSNL का हम इंटरनेट यूज करते हैं, जो केबल के जरिए टेलीफोन लाइन के जरिए जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वो मॉडम के जरिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और ये क्या करता है दोस्तों, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है।
आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आप ये देख सकते हैं जैसे पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछ ली इन्होंने, ये देखिए ये आ गया हमारा जो टोपोलॉजी है उससे रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन नेटवर्क टोपोलॉजी, कौन सी इसमें से नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। देखिए हमने स्टार टोपोलॉजी की थी, रिंग टोपोलॉजी की थी, बस टोपोलॉजी की थी, लेकिन चैन टोपोलॉजी किसी भी तरह की टोपोलॉजी नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों 4 आ जाएगा, चैन टोपोलॉजी ये आ जाएगा, नॉट इन नेटवर्क टोपोलॉजी। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, और ये देखिए ए सेट ऑफ रूल यूज्ड इन कम्युनिकेशन इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड, कम्युनिकेशन करने के लिए जो सेट होता है रूल्स का उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोकॉल कहेंगे। बिल्कुल आसान है, आप देख लीजिए दोस्तों कितना आसान है, कितना आसान है। अगर हम थ्योरी कर लेते हैं और थ्योरी करने के बाद में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करते हैं तो कितना आसान हो जाता है हमारे लिए, और हमें पता भी चल जाता है कि यूजीसी नेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे रिलेटेड और भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये देखिए एक कंप्यूटर नेटवर्क विच इज यूज विद इन ए बिल्डिंग इज कॉल्ड, एक बिल्डिंग के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क उसको हम क्या कहते हैं, लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क उसको कहते हैं। आप देख लीजिए दोस्तों आपकी आंखों के सामने कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे ये देखिए ये आ गया ना SMTP, SMTP की फुल फॉर्म यहाँ पे इन्होंने पूछ ली, इसकी इसका आंसर है 3, देखिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देख लीजिए दोस्तों आपके सामने है, मैं ऐसे ही नहीं कहता कि ये इंपॉर्टेंट है, जो आ रहा है हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, फालतू चीज़ें नहीं बताते। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं आगे में से किस तरह से क्वेश्चन आया। हाँ एक ये रहा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी करेक्ट है वो हमें बतानी है। इसका आंसर है 2 दोस्तों, ओनली बी हमारी राइट है। WWW इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क फर्स्ट स्टार्टेड विद 4 कंप्यूटर नोड्स, ये तो दोस्तों हमने नहीं पढ़ा। बी पे देखते हैं WWW इज ए सर्विस दैट रन ऑन द इंटरनेट, ये एक सर्विस है जो इंटरनेट के ऊपर रन होती है, तो इसका आंसर बी आ जाए दोस्तों। आगे देखते हैं, अब देखिए एक और आ गया हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लोकल एरिया नेटवर्क इज यूजुअली लोकेटेड ऑन वन ब्रांड ऑफ कंप्यूटर, ये एक ही कंप्यूटर के ऊपर एक ब्रांड कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है। दूसरा है द एक्रोनमी ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोवाइडर, ये नहीं है दोस्तों, ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है, ये हमारा बी हमारा गलत हो गया, ठीक है, और ए भी हमारा गलत हो गया। ये केवल एक ब्रांड के कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं होता, उस पर एक कंप्यूटर पे इसको यूज़ नहीं करते, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, नाइदर ए नॉर बी, यानी कि ये दोनों के दोनों हमारे गलत है, ठीक है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इनको कर सकते हैं, अगर आप थ्योरी अच्छे से कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका UGC नेट बिल्कुल आसानी से क्लियर हो सकता है, आप GRF भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये नोट्स लेने हैं और ये क्वेश्चन पेपर लेने हैं तो आप हमसे ले सकते हैं, आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ऐप इंस्टॉल कीजिए NimEasyNet, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू दोस्तों। NTA UGC NET यानी NimEasyNet, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल NimEasyNet Pro पे। दोस्तों आज हम पेपर फर्स्ट ICT में बात करने वाले हैं वेब 1.0, 2.0, 3.0, इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा हम हिस्ट्री ऑफ वेब ब्राउजर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इनमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है, और अभी हमारा जो 2020 में एग्जाम हुआ है उसमें भी इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आए हैं, ये सभी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों। और आज हम के साथ साथ लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि इनमें से किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल NimEasyNet Pro को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबाइए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोज को आसानी से देख सकें। और दोस्तों अगर आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड चाहिए, प्लस में एड फ्री वीडियो चाहिए, कंप्लीट स्टडी नोट्स चाहिए और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में पता करना है, तो आप हमारी ऐप
निमिजनेट, ये येलो कलर में जो आइकन है ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको 1100 प्लस लाइव मॉक टेस्ट चाहिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के, तो दोस्तों आप हमारी ये ऐप ग्रीन वाली इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों के दोनों ऐप दोस्तों प्ले स्टोर के अंदर है, आप निमिजनेट सर्च करना दोनों ऐप आ जाएगी, और या फिर आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहाँ से भी आप ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ वेब ब्राउजर की, और इससे रिलेटेड जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं वो देख लेते हैं और फिर थ्योरी करेंगे, और उसके बाद में 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी हम देखेंगे। देखिए दिसंबर 2019 के अंदर क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है वो हमें बताना था। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ये गूगल, क्रोम, याहू, बिंग, तो इसका आंसर बी है दोस्तों, क्रोम। क्रोम हमारा सर्च इंजन नहीं है, क्रोम क्या है, हमारा वेब ब्राउजर है दोस्तों। तो आप बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे सकते थे, और ये लेटेस्ट है दिसंबर 2019 का, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जून 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था, ट्रिपल डब्ल्यू से क्या तात्पर्य है, इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी थी, तो इसका आंसर है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आंसर है। उसके बाद में दिसंबर 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था कि इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके लिए किए गए थे, यानी कि इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले किस काम के लिए की गई थी, तो इसका आंसर है दोस्तों मिलिट्री उद्देश्य के लिए इसका यूज़ किया गया था, सैन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया गया था। उसके बाद में आप देख सकते हैं जून 2014 के अंदर क्वेश्चन आया है, प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है, तो इसका आंसर है दोस्तों सी है, ट्रिपल डब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब इसका आंसर है। और कई दोस्त इसका आंसर इंटरनेट एक्सप्लोरर देते हैं, लेकिन वो गलत आंसर है दोस्तों, आप ध्यान रखना इसका जो आंसर है ट्रिपल डब्ल्यू है, आप गलती मत कर देना इसके अंदर। अब दोस्तों वेब ब्राउजर से रिलेटेड थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं, हम कब शुरू हुआ था इंटरनेट, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों वेब ब्राउजर की बात करेंगे। देखिए 1990 के अंदर द वर्ल्ड वाइड वेब वाज द फर्स्ट ब्राउजर एवर क्रिएटेड बाय W3C डायरेक्टर टीम वर्नन ली। टीम वर्नन ली के द्वारा 1990 के अंदर पहला ब्राउजर बनाया गया था, और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ लीजिए, वाज द फर्स्ट ब्राउजर एवर क्रिएटेड बाय W3C ट्रिपल डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, ये जो था ट्रिपल डब्ल्यू, ये हमारा प्रथम वेब ब्राउजर था दोस्तों। और मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, जो ये हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये नहीं था, आप इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना, ट्रिपल डब्ल्यू जो है वो हमारा वेब ब्राउजर है पहला। और दिस वाज द ओनली ब्राउजर एंड द ओनली वे टू एक्सेस द वेब, उस टाइम केवल यही एक ऐसा ब्राउजर था, ऐसा जरिया था जिसके जरिए हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे। उसके बाद में दोस्तों 1992 के अंदर लिनक्स आया था, वाज ए टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर दैट कुड नॉट डिस्प्ले एनी ग्राफिक कंटेंट। उसके बाद 1992 में लिनक्स आया था, जिसमें हम दोस्तों टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर था, इसमें हम ग्राफिक्स नहीं देख सकते थे। उसके बाद में दोस्तों 1993 के अंदर मोजिक आया था, और ये पहला ऐसा ब्राउज़र था दोस्तों, इसके अंदर हम इमेजेस को देख सकते थे और टेक्स्ट को भी देख सकते थे, दोनों चीज़ों को हम देख सकते थे। 1994 के अंदर एक इस में इम्प्रूवमेंट किया गया दोस्तों, मोजिक जो वेब ब्राउज़र था इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, और नेटस्केप नेविगेटर इसको नाम दिया गया। उसके बाद दोस्तों 1995 के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला वेब ब्राउज़र बनाया था। उसके बाद में 1996 की हम बात करें तो ओपेरा ने शुरुआत की थी रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर, और इन्होंने भी ब्राउज़र लेके आए, ये भी अपना ब्राउज़र लेके आए। उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों 2003 की बात करें, तो एप्पल जो था वो लेके आया, सफारी ब्राउज़र लेके आया। और उसके बाद में 2004 में बात करें तो मोजिला ने अपना खुद का वेब ब्राउज़र लॉन्च किया, फायरफॉक्स लॉन्च किया। उसके बाद में 2007 की बात करें तो मोबाइल सफारी वाज इंट्रोड्यूस एज मोबाइल वेब ब्राउज़र, एप्पल ने अपना खुद का मोबाइल वर्जन लॉन्च किया मोबाइल सफारी के नाम से। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों 2008 के अंदर गूगल क्रोम, गूगल क्रोम देखिए आज जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इन्होंने कितना लेट जाके ये अपना ब्राउज़र लेके आए, गूगल क्रोम लेके आए 2008 के अंदर। और 2011 के अंदर ओपेरा मिनी आया था दोस्तों, और ओपेरा मिनी जो था वो बहुत ही फास्ट ग्रोविंग वेब ब्राउज़र बन गया था उस टाइम 2011 के अंदर। उसके बाद में 2015 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज आया था, और ये किसके कंपटीशन में था दोस्तों, ये गूगल के कंपटीशन के अंदर आया था। और इसमें हम कुछ और देख लेते हैं दोस्तों, जो हमारे टॉप पॉपुलर वेब ब्राउज़र है उनकी लिस्ट देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो क्वेश्चन है उसके अंदर ऐसे आते हैं कि चार ऑप्शन दे देंगे, चार ऑप्शन में से हमें बताना कि कौन सा वेब ब्राउज़र है या फिर नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सथोन वेब ब्राउज़र,
पोफिन वेब ब्राउज़र, सीएम ब्राउज़र, ओपेरा ब्राउज़र, डॉल्फिन ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र, इसको तो भारत में बंद कर दिया गया है, ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र, मोजिला, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज और नेटस्केप, ये कुछ मुख्य रूप से हमारे वेब ब्राउज़र है दोस्तों, जिनको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। आप इनको आप देख लेना एक बार, क्या पता इनमें से कोई क्वेश्चन आ गए। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों वेब 1.0, 2.0 और 3.0। अब देखिए इसमें पहले इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये थ्योरी। देखिए निम्नलिखित में से वेब 2.0 अनुप्रयोग की कौन सी विशेषता है, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों हमारा 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था, और इसमें ये पूछा हुआ कि वेब 2.0 का की क्या विशेषता है, तो इसका आंसर 2 है दोस्तों। 2 में क्या है, वेब 2.0 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचनाओं का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित है। देखिए मैं अब ये जो वेब 2.0 है ना, इसके जरिए क्या है कि ऑनलाइन लोग आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं, ये मतलब है। और अब हम इन तीनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वेब 1.0, 2.0, 3.0। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वेब 1.0, इट इज़ द रीडेबल पैरा ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब विद द फ्लैट डेटा। वेब 1.0 के अंदर क्या होता था दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको केवल हम देख सकते थे, केवल रीड कर सकते थे, इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। अगर हमने कोई मैसेज पढ़ा है तो वो केवल पढ़ सकते थे, उसका जवाब हम उसमें नहीं दे सकते थे। तो ये था वेब 1.0, केवल और केवल इंफॉर्मेशन पढ़ने के काम आता था, उसमें हम फीडबैक नहीं दे सकते थे, पोस्ट का रिव्यू नहीं कर सकते थे, कमेंट नहीं कर सकते थे और फीडबैक नहीं दे सकते थे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आया वेब 2.0 आया, इसके अंदर क्या हुआ था दोस्तों, राइटेबल हुआ, इसके अंदर हम राइट कर सकते थे, अगर हमारे पास कुछ चीज़ आई है तो उसका जवाब दे सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए YouTube है, YouTube पे हम वीडियो देखते हैं, वीडियो में अगर हमें किसी की बात अच्छी लगी या बुरी लगी तो उसका रिप्लाई दे सकते हैं कॉमेंट बॉक्स के जरिए, विकी हो गया, फ्लिकर हो गया। और इसका सबसे बढ़िया अच्छा उदाहरण फेसबुक भी आप देख सकते हैं दोस्तों, फेसबुक पे हमारे पास मैसेज आता है तो हम उसका रिप्लाई दे सकते हैं, कोई फोटो आई है, किसी की वीडियो आई है तो उस पर हम अपने कमेंट कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों वेब 2.0 के अंदर। और अब बात आते हैं दोस्तों वेब 3.0, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये एक मशीन टू मशीन इंट्रैक्शन हो गया इसके अंदर। ये देखिए इसका मैं मतलब बताता हूँ, इसका क्या मतलब है, जैसे मान के चलिए हम किसी वेबसाइट पे गए, वहाँ पे आपने देखा होगा चैट बॉक्स बना हुआ होता है, एक कॉर्नर पे चैट बॉक्स बना हुआ होता है, जब भी हम उसमें हाय लिखते हैं तो वहाँ से हमें रिप्लाई आता है, हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, इस तरह से। वो क्या है कि मशीन लर्निंग होती है, वहाँ पे ह्यूमन और मशीन दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। इसके अंदर एआई यूज होता है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज होता है इसके अंदर, और इसके अंदर वही है दोस्तों, ह्यूमन और इंटेलिजेंसी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी दोनों एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। और ये दोस्तों इसके अंदर ये यानी कि जो वेब 3.0 है ये मॉडरेट होके आया है वेब 2.0 का वर्जन, ठीक है। और वही है जैसे मान के चलिए हम फ़ोन मिलाते हैं, कस्टमर केयर में फ़ोन मिलाते हैं तो वो कहते हैं हिंदी में सुनने के लिए एक दबाइए, इंग्लिश में सुनने के लिए दो दबाइए, ठीक है, इस तरह से आता। तो वो भी क्या है दोस्तों, मशीन टू मशीन लर्निंग है, मशीन टू ह्यूमन लर्निंग है। तो इस तरह से वेब 3.0 के अंदर काम होता है। और इससे रिलेटेड आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बात करते हैं, इसमें से कैसे क्वेश्चन आए हैं, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। और बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 2020 में जो क्वेश्चन आए ना, आप देखना कितने आसान क्वेश्चन आए हैं। ये जून 2012 के अंदर क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है, तो बी इसका आंसर है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है दोस्तों। और अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है, प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए जाने वाले दिशा निर्देशों का एक सेट होता है जिसके जरिए दोस्तों हमारा कंप्यूटर चलता है। देखिए कंप्यूटर को अगर हम कुछ भी कहेंगे, बोल के कहेंगे तो वो नहीं चलेगा, उसके अंदर हमें कुछ टाइप करना पड़ेगा। और जैसे मान के चलिए हम गूगल में जाके टाइप करते व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये टाइप करते हमने तो इंग्लिश में टाइप किया, लेकिन वो जो समझता है वो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए उसको समझने की कोशिश करता है, कंप्यूटर हो चाहे इंटरनेट हो, वो अपने हिसाब से समझने की कोशिश करता है। और इसके अंदर आते हैं दोस्तों नंबर एक पे मशीन
मशीन भाषा आती है, मशीन लैंग्वेज आती है। इस लैंग्वेज को केवल कंप्यूटर ही समझ सकता है। मनुष्य के लिए इसे समझ पाना और इसे देख पाना असंभव है दोस्तों, क्योंकि जैसे हमने बात की थी पहले बाइनरी डिजिट की बात की थी, डेसिमल नंबर की बात की थी, 10 के अंदर ऑक्टल के अंदर बात की थी, तो वो लैंग्वेज हमारे समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो लैंग्वेज कंप्यूटर बिल्कुल आसानी से समझ लेगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों असेंबल भाषा की बात करते हैं। असेंबल भाषा एक ऐसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें अंकीय संकेतों के स्थान पर नॉमिनिक कोड का प्रयोग किया जाता है और इसे मशीनी भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का उपयोग होता है, किंतु यह अलग अलग प्रोसेसर के लिए अलग अलग होती है। इसमें से पहले क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि असेंबल भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, असेंबलर का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। यह मनुष्य द्वारा समझने में बहुत आसान होती है। इसमें साधारण अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग किया जाता है, बाद में कंपाइलर का उपयोग कर मशीनी भाषा में इसको बदला जाता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है दोस्तों, इसको हम बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं। ये भाषा इंग्लिश वर्ड्स के अंदर लिखी हुई होती है, लेकिन जब हमें इसे मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना होता है तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कंपाइलर का उपयोग करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कंपाइलर का उपयोग किया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों टॉप मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करते हैं। जावास्क्रिप्ट है दोस्तों नंबर एक पे, फिर है दोस्तों पाइथन, इसमें से क्वेश्चन आया दोस्तों 2020 के अंदर इसमें से क्वेश्चन आया है। फिर है जावा है, C++ है, स्विफ्ट है, टाइप स्क्रिप्ट है, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, SQL है। SQL ये हमारी लेटेस्ट भाषा दोस्तों, इसमें से भी क्वेश्चन आया है, अभी जो हमारा 2020 का क्वेश्चन है पेपर है उसमें आया है ये क्वेश्चन। और ये काफ़ी लैंग्वेज है दोस्तों, आप इन सभी को देख लेना। वैसे अगर बात करें तो बहुत सारी हमारी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन जो हमारे पॉपुलर जो लैंग्वेज है वो ये है, आप देख लेना बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे PHP हो गया, पर्ल हो गया, रस्ट हो गया, CS हो गया, फ्लिक्सर हो गया, PHP हो गया, HTML हो गया। और इसमें एक हाँ आगे हम बात करते हैं दोस्तों टॉप 10 बेस्ट मैसेंजर ऐप और चैट ऐप की बात करते हैं। इनमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, देखिए दिसंबर 2015 में क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, कौन सा इंस्टेंट यानी कि जल्दी से उसमें हम चैट कर सकते हैं। ये दोस्तों इसका आंसर है 4 ABC ने इन्होंने आंसर दिया है ABC, ये तीनों के तीनों है दोस्तों, व्हाट्सअप, गूगल टॉक, वाइबर, ये तीनों के तीनों में हम जल्दी चैट और मैसेजिंग कर सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर कुछ ये दिए हुए चैट मैसेजिंग एप्लीकेशन दिए हुए, जैसे बैंड हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, फेसबुक हो गया, फेसबुक मैसेंजर, किक हो गया, स्लैक हो गया, स्काइप हो गया, स्नैपचैट हो गया, टेलीग्राम, वाइबर, व्हाट्सअप, और भी आप यूज़ करते होंगे अपने लाइफ के अंदर, जैसे हाइक हो गया, तो उन सभी को आप याद रख लेना दोस्तों, हो सकता है उनमें से भी कोई क्वेश्चन आ जाए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये सितंबर 2013 में क्वेश्चन आया था, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसका आंसर डी है दोस्तों, फायरफॉक्स, इन्होंने आंसर दिया है। फायरफॉक्स अभी हम पढ़ के आए हैं, फायरफॉक्स क्या है, हमारा वेब ब्राउज़र है दोस्तों, और ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैक ओएस है, ये 2001 के अंदर आया था और एप्पल द्वारा बनाया गया था यहाँ पे। और iOS जो है ये भी एप्पल द्वारा बनाया गया था, 2007 के अंदर आया था। उसके बाद में लीजा ओएस है, ये भी एप्पल द्वारा है। और क्रोम ओएस है, ये दोस्तों यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए थोड़े अलग अलग करके लिखे हुए हैं। क्रोम ओएस है दोस्तों, ये गूगल द्वारा बनाया गया था। और एंड्रॉयड भी गूगल के द्वारा बनाया गया है दोस्तों, और ये मोबाइल के अंदर यूज़ होता है, स्मार्टफोन, टैबलेट्स और जो हमारे स्मार्ट टीवी है उनके अंदर यूज होता है। MS-DOS ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था। फिर विंडोज़ है, विंडो को हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद में आप देख सकते हैं ब्लैकबेरी है, ब्लैकबेरी के द्वारा बनाया गया था, 1999 के अंदर आया था। उसके बाद में सिम्बियन है दोस्तों, ये सिम्बियन नोकिया फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता था पहले के फ़ोनों में, और नोकिया, सैमसंग, मोटोरोला, सोनी, इरेक्सन, इनके अंदर बहुत ज़्यादा यूज हुआ ये।
ये आप सभी देख लेना दोस्तों, ये जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है आप इनको देख लेना, इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं और ज़्यादा डीपली इनमें से नहीं पूछा जाता कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था, कौन सी कंपनी लेके आई थी, ये कहाँ पे यूज़ होता, ऐसा नहीं पूछा जाता। बस वो ऑप्शन देंगे भाई निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है, ऐसे पूछेंगे वो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए, ये हमारा 24/9/2020 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसमें ये क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। पाइथन एक है, पाइथन क्या है ये हमें बताना है। अभी हम करके आए ना, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये था हमारा पाइथन। पाइथन क्या है दोस्तों? ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इन्होंने ये पूछा हुआ कि पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन और ये पता नहीं क्या है, स्क्रैक है क्या है। अब देखिए, ये हमें अभी पढ़ के आए हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए आएगा, केवल ए इसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद में और मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ जिससे देख के आपको आसानी से बिलीव हो जाएगा कि हम कर सकते हैं यूजीसी नेट जीआरआर। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों इन्होंने। फेसबुक हम सभी को पता है कि चैटिंग ऐप है और ये सोशल मीडिया की एक ऐप है, ये हमारा वेब ब्राउजर नहीं है। तो कितना आसान क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप। और दोस्तों हमने ना अभी जैसे 2012 से लेके और 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आईसीटी के आए हैं वो अलग कर रखे, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, रिसर्च के अलग है। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं 2012 से लेके 2020 तक देख लेते हैं तो बिल्कुल आसानी से आपका नेट और जीआरएफ क्लियर हो सकता है। और दिखाता हूँ दोस्तों, और भी क्वेश्चन है इसके अंदर जो आए हैं 2020 के अंदर, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। और अगर आप ये देखिए दोस्तों, ये आया था, नीचे दो कथन दिए गए, ये क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ कौन सा है पहले। ये देखिए 9/10/2020 को आया था ये, और ये क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि सर दो कथन है, सर्च इंजन को वेब ब्राउजर के रूप में भी जाना जाता है। अब ये देखिए, पहले ये देखिए, सर्च इंजन को वेब ब्राउजर के रूप में जाना जाता है? नहीं दोस्तों, सर्च इंजन हमारे अलग चीज़ होती है। सर्च इंजन क्या है? जैसे गूगल है, गूगल हमारा सर्च इंजन है, वो वेब ब्राउजर नहीं है। सर्च इंजन एक अलग चीज़ है, वेब ब्राउजर एक अलग चीज़ है। वेब ब्राउजर के अंदर काफ़ी सर्च इंजन हो सकते हैं लेकिन एक सर्च इंजन के अंदर वेब ब्राउजर नहीं हो सकता। तो ये दोनों चीज़ें अलग चीज़ें हैं दोस्तों, दोनों अलग अलग हैं। तो जो कथन एक है वो हमारा गलत हो जाएगा। नंबर दो पे बात करते हैं दोस्तों, ये एक वैध आईपी एड्रेस का उदाहरण है। इन्होंने पूछा हुआ कि क्या ये एक आईपी एड्रेस सही है? तो दोस्तों ये आईपी एड्रेस सही नहीं है क्योंकि हमारा जो आईपी एड्रेस है 0 से 255 के अंदर उनकी डिजिट होती है। और ये देखिए, ये जो डिजिट है 365 डिजिट यहाँ पे आ रही है। तो ये कथन एक और दो, दोनों के दोनों हमारे गलत हो जाएंगे। और ये आईपी एड्रेस के बारे में हमने वीडियो बना रखी है दोस्तों, पीछे की यहाँ पे वीडियो देख लेना, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे कोई क्वेश्चन है तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आ गया हमारा, नीचे दो कथन दिए गए, इंटरनेट सूचना का सबसे बड़ा आधार है, यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई गलत चीज़ नहीं है इसके अंदर। कथन एक, इंटरनेट सूचना का सबसे बड़ा आधार है। आज के टाइम में इंटरनेट पे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। तो कथन एक है वो तो राइट हो जाएगा। कथन दो की बात करते हैं, HTML एक अधूरा कोड पैकेज है जो प्रयोक्ता द्वारा वेब पेज बनाना संभव बनाता है। ये HTML एक अधूरा कोड पैकेज नहीं है दोस्तों। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा कथन एक ये तो राइट हो जाएगा और कथन दो जो है गलत हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब ये देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किनके बीच इंटरफेस है, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है दोस्तों, जो यूज़र है, जो ह्यूमन है और कंप्यूटर है, उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। अगर आप पहले थ्योरी करते हैं और थ्योरी करने के बाद में क्वेश्चन देखते हैं भाई 2012 से लेके 20 तक कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो बिल्कुल आसानी से आप दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप नेट और जीआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। आप ऐसे करना दोस्तों, आपका नेट जीआरएफ अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, अभी हम करके आए ना, वेब 2.0 करके आए थे, वेब 1.0, 2.0, 3.0, उसी में से क्वेश्चन आ गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं।
अब देखिए वेब 2.0 के अंदर हमने क्या बात की थी, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम चैटिंग कर सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ब्लॉग और ट्विटर। ट्विटर पे हम रिप्लाई दे सकते हैं ना, किसी की फोटो देखी हमने अच्छी लगी, उसका ट्वीट अच्छा लगा था, उसको रिप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए सर्च इंजन है, सर्च इंजन क्या है, अपना गूगल और याहू, ये हमारे दोनों के दोनों क्या है, सर्च इंजन है। उसके बाद में हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, बात करते हैं विंडो 8 और iOS, ये दोनों के दोनों हमारे क्या है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो C++ और जावा, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यार कितने आसान और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है अगर आप पहले क्वेश्चन पहले थ्योरी करते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं तो। और दोस्तों अगर आप चाहे तो हमारी पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी ऐप निमिजनेट डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर आपको सभी स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे 2012 से लेके 2020 तक, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, जैसे कि रिसर्च के क्वेश्चन अलग, आईसीटी के अलग और कम्युनिकेशन के अलग, सभी यूनिट के आपको अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और देखते हैं दोस्तों अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, और क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे ये जो फाइल है ना 18 पेज है, ये केवल और केवल 2020 के क्वेश्चन है, इसके अलावा हमने 2012 से लेके 2019 तक भी फाइल बनाई हुई है, तो वो हम क्वेश्चन आगे की वीडियोज में आपको करवाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए निमिजनेट, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, NTA UGC नेट पेपर फर्स्ट ICT, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज ICT, ICT का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें से क्वेश्चन पहले आए हैं दोस्तों। इसके साथ साथ हम ICT इन हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा में ICT की क्या क्या भूमिका है ये भी जानने वाले हैं दोस्तों। इसमें से पहले क्वेश्चन आए हैं और 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आए हैं, तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि हम पहले थ्योरी करेंगे और उसके बाद में जो जो क्वेश्चन आए वो सभी क्वेश्चन हम देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ICT क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर फुल फॉर्म पूछे गए करीब 3 से 4 बार इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं दोस्तों। ICT की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की फुल फॉर्म है। अगर हिंदी में देखें तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इसकी फुल फॉर्म है। और इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को उपकरणों और संसाधनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें नेटवर्क आधारित नियंत्रण, निगरानी, भवन प्रबंध प्रणाली, प्रशासन प्रणाली, यानी कि बहुत से इसके अंदर हम काम कर सकते हैं, हम नियंत्रित कर सकते हैं, किसको कंट्रोल कर सकते हैं, किसी की जासूसी कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं और बड़े बड़े भवन वगैरह बना सकते हैं ICT के जरिए कम्युनिकेशन करके, और प्रसारण यानी कि जो हमारा मीडिया है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत कुछ हम इससे कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों इन सभी के लिए जो संचार उपकरण और एप्लीकेशन जो यूज में लाई जाते हैं उसी को हम ICT कहते हैं दोस्तों। और इसमें ऐसा उत्पाद शामिल होता है जो कंप्यूटर
मोबाइल फोन, रोबोट आदि जैसे डिजिटल डेटा को स्टोर कर सकता है, पुनः प्राप्त कर सकता है, उसको प्रबंधित कर सकता है, यानी कि इसमें बहुत से उपकरण होते हैं दोस्तों। और आईसीटी को किसी विशेष तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कि दोस्तों आईसीटी जो है वो एक लिमिट दायरे में नहीं है, उसका दायरा एक सीमित नहीं है, बहुत बड़ा दायरा है आईसीटी का। क्योंकि आईसीटी का उपयोग हम मोबाइल में भी करते हैं, फोन अपने कंप्यूटर में करते हैं, लैपटॉप में करते हैं, हर जगह इसका उपयोग करते हैं, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे आईसीटी का उपयोग ना होता हो, इसलिए इसको एक सीमित दायरे में करना मुश्किल है। और आईसीटी में शामिल तरीके और एप्लीकेशन दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे साथ विकसित होती हुई जा रही है, इसलिए इसको विकसित सीमित कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। और इससे हम एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि आईसीटी क्या होता है। आईसीटी के अंदर ये दोस्तों कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना, और हमारे कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उनके द्वारा हम किसी चीज़ को नियंत्रित करते, निगरानी करते हैं, या फिर उसका अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। और उनके लिए जो संचार उपकरण और एप्लीकेशन यूज होते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, आईसीटी कहा जा सकता है। और सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है? सूचना प्रौद्योगिकी सेवा अर्थतंत्र का आधार है, यानी कि सर्विस इकोनॉमी का आधार है दोस्तों। ये देखिए, जितनी ज़्यादा अच्छी हमारी टेक्नोलॉजी होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, इतनी अच्छी हमारी इकोनॉमी होगी। पिछड़े देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए दोस्तों इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। गरीब जनता को सूचना संपन्न बनाकर निर्धनता का अनुमूलन किया जा सकता है, यानी कि अगर कोई गरीब लोग है, उसको अच्छी अच्छी जानकारी दे के, भैया आप ये काम कर सकते हैं, इस तरह से काम कर सकते हैं, तो वो गरीबी से निकल सकता है और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से चला सकता है। आज आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे जो यूट्यूब के जरिए, यूट्यूब पर चीज़ें देख देख के आज वो पता नहीं कितना पैसा कमा रहे हैं। तो अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी, अच्छी जानकारी होगी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सूचना संपन्नता से सशक्तिकरण आता है, एम्पावरमेंट आती है। और इसके बाद में दोस्तों और देखें हम, सूचना तकनीक प्रशासन और सरकार में पारदर्शिता लाती है, इससे भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता मिलती है। अब देखिए, जैसे पहले क्या होता था कि पहले हम ऑफलाइन पेमेंट करते थे, तो वो हो सकता था किसी कोई कर्मचारी हमसे ज़्यादा पेमेंट ले लेता था किसी कार्यालय के अंदर, लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। अब ज़्यादातर जो पेमेंट होती है वो ऑनलाइन होती है, तो उसमें भ्रष्टाचार बहुत कम होता है, पारदर्शिता हमें मिल जाती है, भाई हमने कितने पेमेंट दिए और उसकी कितनी रिसिप्ट हमें निकली है, प्रिंट आउट हमारे सामने उसी टाइम निकल के आ जाता है। और ज़्यादातर पेमेंट हम अपने आप करते हैं, ये नहीं है कि किसी को देनी पड़ रही है, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। सूचना तकनीक का प्रयोग योजना बनाने, नीति निर्धारण तथा निर्णय लेने में सहायता होता है। यह नए रोजगारों का सृजन करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बहुत नए रोजगार बन रहे हैं दोस्तों। इसके साथ आगे हम बात करते हैं दोस्तों, उच्च शिक्षा में आईसीटी की क्या भूमिका है, रोल ऑफ आईसीटी इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के अंदर दोस्तों आईसीटी का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। अब आप देखिए, जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेज वगैरह बंद पड़े हुए हैं कोरोना की वजह से, लेकिन इस दौरान जो सबसे ज़्यादा काम आया है वो है आईसीटी काम आया है दोस्तों। लोगों ने घर बैठे एजुकेशन ली है, वाइवा ली है, पीएचडी इंटरव्यू लिए हैं, बहुत कुछ काम किया घर बैठ के, और ये सारा का सारा दोस्तों हमारा आईसीटी के जरिए ही हो पाया है। तो हमारे हायर एजुकेशन के अंदर इसका किस तरह से उपयोग हो रहा है, जैसा कि मान के चलिए इग्नू का ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन है, उससे क्या है कि लोग घर बैठे आसानी से अपने लेक्चर सुन सकते हैं टीवी के जरिए। टीवी पे उनका एजुसेट है इग्नू का, तो उनसे हम लेक्चर देख सकते हैं। सेलफोन है, कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, तो इन सभी चीज़ों से हम अपनी एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। आज जैसे आप सभी को पता है कि हम घर बैठे यूट्यूब के जरिए कितनी नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, यूट्यूब पे लेक्चर ले रहे हैं, यूट्यूब पे स्टडी कर रहे हैं, और इसी तरीके से जूम पे वेबिनार वगैरह होते हैं, वहाँ से हम वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं। तो हायर एजुकेशन के अंदर दोस्तों आईसीटी का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। और एक और चीज़ दोस्तों, ये क्या है कि ये जो आईसीटी है आज के टाइम में इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत कम रुपयों के अंदर हम बहुत अच्छी शिक्षा ले सकते हैं।
और इसके साथ साथ दोस्तों आईसीटी के ज़रिए आज हम डिस्टेंस एजुकेशन से स्टडी कर रहे हैं, हम दूर बैठे अगर हमारी बुक्स मान के चलिए ऑफलाइन तरीके से नहीं आ रही है, ऑफलाइन आने में 2-3 महीने लग जाते, तो हम ऑनलाइन डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। प्लस में अगर हमें ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं तो हम वेबसाइट पर जाके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि आईसीटी का जितना बताया जाए उतना ही कम है दोस्तों, आईसीटी का बहुत ज़्यादा आज उपयोग हो रहा है अगर कोई इसका उपयोग करना चाहे तो। और उच्च शिक्षा में आईसीटी के अधिग्रहण से निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त होती है, क्या क्या फायदा होता है। दूरवर्ती स्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है, वही बात आगे दोस्तों डिस्टेंस एजुकेशन की, दूर बैठे छात्र लेक्चर देख सकते हैं और स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में अधिक पारदर्शिता प्रणाली लाने में उनकी प्रक्रियाओं और अनुपालन मापदंडों में मजबूती मिलती है। इससे क्या है दोस्तों, हमें पता चल जाता है कि किस स्टूडेंट के कितने नंबर लगे हैं। और अभी जैसे आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जैसे कोई नौकरी लगती है उसका रिजल्ट आता तो पूरी सरकार जो है कि पूरी की पूरी PDF दे देती है, भाई इस बच्चे के इंटरव्यू में इतने नंबर लगे हैं, थ्योरी में इतने नंबर आए हैं, और जो इसके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके इतने नंबर लगे हैं, तो पूरी की पूरी पारदर्शिता हमें दिखाई दे जाती है। इसी तरीके से हमें जब हम एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है कि कहाँ से कितने कितने नंबर हमें हमारे लगे हैं। यह छात्रों के प्रदर्शन, नियुक्ति, वेबसाइट एनालिटिक्स और बोर्ड के ऑडिट के लिए सोशल मीडिया मैट्रिक्स का विश्लेषण करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यही चीज़ दोस्तों मैंने आपको बता दी कि छात्र के कितने नंबर आए हैं और कितने नंबर कहाँ कहाँ से काउंट हुए, वो सारी की सारी चीज़ें हमें दिख जाती हैं। इंटरनेट, वर्चुअल क्लासरूम, उपग्रह और अन्य माध्यमों द्वारा पाठ्यक्रम वितरण के साथ दूरस्थ शिक्षा सुविधाजनक बना दी गई है। वही चीज़ आ रही है दोस्तों घूम फिर के, वही चीज़ मैंने आपको बता दी है कि दूर बैठे हम वर्चुअल क्लासरूम, एक जैसे जूम पे क्लास चलती है ना, 30-30, 40-40 स्टूडेंट एक साथ होते हैं, टीचर उसमें बताते हैं, सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, तो वर्चुअल क्लासरूम आज क्रिएट हो गया है ICT की वजह से, तो बहुत अच्छे तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप ये पढ़ना चाहें तो बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना समझ में आए। और अब दोस्तों इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जैसे हमारे पास जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर ये क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट द स्टडी डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर टू। ये देखिए इन्होंने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर एक है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नंबर दो है इन्फॉर्मेशन एंड कोलाबरेटिव टेक्नोलॉजी, तो ICT, ये देखिए ICT है लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है ये इन्होंने यहाँ पे गलत दी हुई है। आगे इन्फॉर्मेशन एंड डेटा टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर नंबर एक आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे ICT की फुल फॉर्म अच्छे से दी हुई होती तो ICT इसका आंसर हम दे सकते थे। ये देखिए ये 24/9/2020 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसमें देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT में शामिल है। ICT में क्या क्या शामिल है, ऑनलाइन अधिगम यानी कि ऑनलाइन लर्निंग करना, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अधिगम करना, वेब आधारित अधिगम करना यानी कि वेबसाइट के जरिए पढ़ना, मोबाइल के जरिए पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों ICT के अंदर आती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, केवल D यानी कि उपयुक्त सभी। देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन आया है। और इसके बाद में देखिए मल्टीमीडिया के घटक है, मल्टीमीडिया में क्या क्या शामिल आता है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ये तीनों तरह की चीज़ें इसमें मल्टीमीडिया में आती है। और भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों ICT से रिलेटेड, वो देखते हैं हम। और ये तो वो हो गया, रुकिए ये भी वो हो गया, अलग क्वेश्चन है ये, ICT से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं और मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। अब ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है और इसके अंदर दो कथन दिए, कथन एक है कक्षा शिक्षण में ICT का उपयोग अधिगम परिणामों को पुनोन्नत करना तथा उन्हें अधिकतम बनाना है। यानी कि क्लास के अंदर जब हम ICT का उपयोग कर रहे हैं तो उससे क्या है कि अधिगम अच्छा बनता है और अधिगम बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों। जब जब हम ICT का उपयोग करेंगे हमारी कक्षा के अंदर तो हमारा अधिगम यानी कि बच्चे अच्छे तरीके से सीखेंगे और ज़्यादा सीखेंगे। नंबर दो है दोस्तों स्वयं तथा MOOC आदि जैसे अधिकतर ऑनलाइन विधियों में रूढ़िवादी शिक्षण अधिगम प्रणाली के प्रभावी अनुपूरक बनाने की
संभावना होती है। यानी कि इसका मतलब ये है दोस्तों, हमारे स्वयं चल रहा है, MOOC चल रहा है, भारत सरकार के द्वारा प्रोग्राम चल रहे हैं, उनका उपयोग जो हमारी पहले ट्रेडिशनल टीचिंग होती थी उसको और प्रभावी बनाना उद्देश्य है इसका। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों, कथन एक और दो दोनों के दोनों सही है। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है, नए मीडिया के आगमन ने ऑनलाइन अधिगम को कैसा बना दिया है, स्वतंत्र बना दिया है। दोस्तों सीधी सी बात है, यानी कि ऑनलाइन अधिगम में स्टूडेंट बिल्कुल फ्री है, वो जब चाहे उसको पढ़ सकता है, उसको डाउनलोड कर सकता है, बार बार सुन सकता है, यानी कि पूरी तरह से वो स्वतंत्र है, किसी भी तरह से वो अपनी स्टडी कर सकता है। और इसके बाद में एक और क्वेश्चन आया था वो और मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे फिर से इन्होंने दो कथन दे दिए हैं। ये 5/11/2020 को क्वेश्चन आया था इवनिंग शिफ्ट में, अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की दृष्टि से ICT में पर्याप्त संभावनाएं हैं। यानी कि अधिगम परिणामों को जो लर्निंग आउटकम है उसको अच्छा बनाने के लिए ICT में बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बहुत सही है कि जो लर्निंग परिणाम है उनको हम ICT के ज़रिए बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अधिगम कर सकते हैं। ICT में विविधता, लोचशीलता तथा मनोहरता को संवर्धित करती है। इसका मतलब ये है दोस्तों, ICT के अंदर विविधता मतलब हमारे पास अलग अलग वेराइटी है। मान के चलिए अब आप YouTube पे सर्च करेंगे NTA UGC नेट, तो आपको कम से कम 20 यूट्यूब चैनल निकल के आएंगे। तो अलग अलग चीज़ें हमारे पास बहुत ऑप्शन है ICT के अंदर पढ़ने के लिए। लोचशीलता यानी कि हम अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं, जब चाहे उसको वीडियो को रोक सकते हैं, जब चाहे उसको चला सकते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। और फिर है मनोहरता, यानी कि मनोहरता का मतलब है कि उसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, कोई मजाक के तरीके से पढ़ा रहा है या फिर कोई ग्राफिक्स दिखा रहा है उसके अंदर, तो बहुत एंटरटेनमेंट हो रहा है हमारा ICT के ज़रिए। तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही है दोस्तों, ए और आर दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। और देख लेते दोस्तों और इसमें से कोई क्वेश्चन आया तो। दोस्तों अगर आप देखिए 2012 से लेकर 2020 तक क्वेश्चन पेपर करते हैं सभी, तो आपका बिल्कुल अच्छे से नेट और JRF क्लियर हो सकता है। और दोस्तों हमने 2012 से लेकर 20 तक सभी टॉपिक के क्वेश्चन अलग अलग कर रखे हैं, जैसे कि ICT के जो भी क्वेश्चन आए आज तक वो अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, रिसर्च के अलग है, सभी क्वेश्चन हमने अलग अलग कर रखे हैं। तो दोस्तों अगर आप वो नोट्स लेना चाहें, क्वेश्चन पेपर लेना चाहें, तो आप हमारी ऐप NIMIZNET डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर आपको पूरा कम्प्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।